नो नो ओके बट स्टिल मैं ऐसा करता हूँ कि एक-एक एग्जांपल करके दोनों केसेस को रिवाइज कर देता हूँ ठीक है। आई विल टेक वन एग्जांपल फॉर मेथड ऑफ इन्वर्जन एंड वन एग्जांपल फॉर द कंपोजिशन मेथड एंड देन वी प्रोसीड फॉर द क्वेश्चंस। तो जस्ट टेक अ नोट। पहला फर्स्ट मेथड ऑफ इन्वर्जन, मेथड ऑफ इन्वर्जन टू फाइंड रेंज। अगर किसी फंक्शन की रेंज निकालनी है और इन्वर्स मेथड यूज कर रहे हैं तो हम कैसे करेंगे? तो इन्वर्स मेथड में हम लोग क्या करते हैं जी, आप बताओ, क्योंकि आपने किया हुआ है तो एक बार जरा आपके पास सुनता हूं। कौन बताएगा? जुगल तुम बताओगे? सपोज आई हैव अ फंक्शन वाई इज इक्वल टू एफ एक्स और फंक्शन एफ एक्स मैं दे देता हूं। मान लो ये एफ एक्स है तुम्हारा 3x² - 4/2x² + 3। ये फंक्शन हमारा। तो व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? सबसे पहले हम क्या करते हैं एंड देन सेकेंड स्टेप क्या होगा एंड देन थर्ड स्टेप क्या होगा और आंसर कैसे आएगा? दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी। सबसे पहला स्टेप ऐसी सिचुएशन में क्या करते हैं जी, सबसे पहले क्या करते हैं? तो डोमेन फाइंड करते हैं। फाइंड डोमेन ऑफ फंक्शन, फाइंड डोमेन। तो इवेंचुअली आप देखो तो इस फंक्शन का डोमेन क्या है? बोलो, अगर आपसे पूछा जाए कि इस फंक्शन का डोमेन क्या है तो आप क्या बोलोगे? रैशनल फंक्शन है। रैशनल फंक्शन का डोमेन, न्यूमरेटर का डोमेन रियल, डिनोमिनेटर का भी रियल, तो दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो रियल ही आएगा। तो रियल डोमेन है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए और ये जीरो है भी नहीं, तो इसका डोमेन क्या है? डोमेन इज अ रियल नंबर। रियल नंबर मतलब -∞ to ∞ सेट ऑफ रियल नंबर, ये डोमेन है। तो पहला स्टेप है फाइंड डोमेन ऑफ एफ एक्स। मान लो फंक्शन का डोमेन आ गया से से द डोमेन इज अल्फा टू बीटा, ऐसा कुछ इंटरवल आ गया। जैसे हमारे केस में अल्फा और बीटा दोनों इंफिनाइट आ गए, अल्फा इज -∞ एंड बीटा इज इंफिनिटी। आई गॉट द डोमेन। सो डोमेन फाइंड करने के बाद अगला स्टेप क्या है? डोमेन फाइंड करने के बाद अगला स्टेप है एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई, एक्सप्रेस एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई। कैसे? हाउ? तो बोल रहे हैं जो इक्वेशन से फंक्शन डिफाइंड है, फंक्शन का इक्वेशन ये है ना, ये फंक्शन का इक्वेशन है, इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करो और फंक्शन वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स लिखा हुआ है उसी में आप एक्स को वाई के टर्म में लिखो। तो y इज इक्वल टू एफ एक्स को जब x इन टर्म्स ऑफ y लिखते हैं ना तो ये बन जाता है x, दैट इज x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। अब यहां पर वो x इक्वल टू एफ इनवर्स y क्या आएगा वो देखो। हमारा इक्वेशन क्या था y, ये देखो दिस y इज इक्वल टू दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y टाइम्स 2x² + 3 इज इक्वल टू 3x² - 4। अब आप क्या करो, x को एक साथ लाओ और y के टर्म्स को दूसरी साइड ले जाओ तो आपके पास आएगा x² × 2y - 3 इज इक्वल टू ट्रांसपोजिंग द टर्म ऑफ y टू राइट हैंड साइड तो यू विल गेट -4 - 3y, -4 - -3y। अब x की वैल्यू क्या है, यहां से x² की वैल्यू क्या है, x² कम्स आउट टू बी क्या आया 4 + 3y / 3 - 2y, 3y - 3 - 2y बेटा, क्योंकि ऊपर नेगेटिव को मैंने नीचे ट्रांसफर किया। हाँ ठीक है, एक्स को अगर मैं पूरा एक्स को वाई में कन्वर्ट करना चाहता हूं तो आई कैन इवन राइट एक्स इज इक्वल टू √4 + 3y / 3 - 2y। बट रिमेंबर इट इज नॉट नेसेसरी दैट आई शैल राइट एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई कंप्लीटली, इवन एट दिस स्टेप वी कैन गो अहेड। और चलो यहां से भी कर सकते हैं, दोनों स्टेप से हम कर सकते हैं, यहां से भी कंक्लूड कर लेंगे यहां से भी। दूसरा स्टेप हो गया
पहला स्टेप क्या था, डोमेन फाइंड करो. दूसरा स्टेप क्या था, फंक्शन का जो इक्वेशन है उसको, जो कि वाई इन टर्म्स ऑफ एक्स दिया होगा, उसी का इस्तेमाल करके एक्स इन टर्म्स ऑफ वाई कर दो. अब तीसरा स्टेप क्या है, बिकॉज आपको एक्स मिल गया और एक्स के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है कि एक्स जो है बाउंडेड है, अल्फा से बीटा के बीच लाई कर रहा है, तो उस इंफॉर्मेशन को यूज करो, उसको बोलते हैं डोमेन रिस्ट्रिक्शन. तो राइट डाउन द थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप है अप्लाई द डोमेन रिस्ट्रिक्शन, अप्लाई डोमेन कंडीशन, डोमेन रिस्ट्रिक्शन बोलते हैं उसको, टू गेट क्या भाई, x ये है और इसको इस वाली कंडीशन में डाल दो, ये वाली कंडीशन में डालो यहां पर, तो क्या आएगा भाई, अल्फा लेस देन f इनवर्स y लेस देन बीटा, इसको बोलते हैं अप्लाई द डोमेन रिस्ट्रिक्शन एंड देन सॉल्व द इनइक्वालिटी इन y, सॉल्व दिस इनइक्वालिटी फॉर y to get range of y. This is the three step. यही तीन step है जी. अब वो तीन step को करते कैसे, यहां देखो हमारे केस में इस example में domain restriction क्या है, x can be any real number, x is minus infinity to infinity, I would say that x to be real, x to be real, ये हमारा हो गया domain restriction. एक्स को रियल होने के लिए क्या होना चाहिए कंडीशन, ये क्वांटिटी एक्स स्क्वायर क्या होनी चाहिए. अगर मैं यहां से डायरेक्ट अप्लाई करूं तो एक्स अगर रियल है तो स्क्वायर ऑफ एक्स क्या हो गया, पॉजिटिव, तो आ गया 4 + 3y / 3 - 2y हैज टू बी ग्रेटर और इक्वल टू 0. अब देखो अगर मैं ये वाले दूसरे इक्वेशन से करता ना, तो भी देखो ये रूट रूट ऑफ समथिंग को रियल होने के लिए दिस समथिंग हैज टू बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेम कंडीशन आती, चाहे पहले इक्वेशन से करो तो भी सेम कंडीशन आएगी, दूसरे से करो तो भी सेम कंडीशन आएगी. अब ये इनइक्वालिटी को बेटा वेविकर मेथड से सॉल्व कर लो, तो आपके पास क्या आएगा, एक रूट है -3/2, ये क्रिटिकल पॉइंट है, एक क्रिटिकल पॉइंट है -4/3 ना, एक है -4/3, एक +3/2, तो -4/3 छोटा वाला क्रिटिकल पॉइंट है, 3/2 बड़ा वाला क्रिटिकल पॉइंट है, लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, क्या सॉल्यूशन आया बोलो, आंसर क्या है, राइट डाउन द आंसर, -4/3 क्लोज से 3/2 क्लोज. हां जी हां जी, y बिलोंग्स टू -4/3 टू 3/2, तो आई विल राइट दैट y बिलोंग्स टू -4/3 से 3/2, वन साइड इज क्लोज्ड, वन साइड इज क्लोज्ड, व्हिच इज क्लोज्ड, -4/3 इज क्लोज्ड, व्हिच इज ओपन, 3/2. ये जो प्रोसीजर है इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इन्वर्जन, इनवर्स फंक्शन मेथड. कि आपने आपने इसमें कॉन्सेप्ट क्या यूज किया, देखो ये था जिसको हम बोल रहे हैं एफ इनवर्स वाई, और याद करो क्या बोलते हैं हम, कि जो फंक्शन का, अगर हमारा फंक्शन जो है वो मान लो डोमेन से डोमेन ऑफ एफ से डोमेन ऑफ एफ से रेंज ऑफ एफ डिफाइंड है, तो जो इनवर्स फंक्शन होगा वो कहां से डिफाइंड होगा, रेंज ऑफ एफ से डोमेन ऑफ एफ, है कि नहीं. अगर फंक्शन ए से बी पे डिफाइंड होता और इन्वर्टिबल है, तो उसका इनवर्स फंक्शन बी से ए पर डिफाइंड होता है. कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जो फंक्शन इनवर्स का जो डोमेन है वही एफ की रेंज है. तो रेंज ऑफ फंक्शन, रेंज ऑफ एफ एक्स is same as domain of f inverse. बस तो हमने क्या किया, हमने f inverse find किया और फिर उसका domain निकाल लिया, that's it. उसको define होने की condition निकाल ली. This is called method of inversion. दूसरा जो method है, method of inversion के बजाय दूसरा method है, वो करते हैं. लेकिन उससे पहले एक छोटा सा question दे रहा हूँ, जल्दी से answer करेंगे आप, उसके बाद तब उसको करेंगे, देखते हैं आप कर पाते हैं कि नहीं. ठीक है जी, जल्दी से answer करिए. Find range of, find range of y is equal to, range of y is equal to x square minus, x square minus 9 over x square minus
फोर एक्स प्लस थ्री। फटाफट इसकी रेंज निकालो क्विक। एंड ऑब्वियसली आप मेथड ऑफ इन्वर्जन इस्तेमाल करिए। हो गया क्या किया? व्हाट इज डोमेन? इन ऑर्डर टू फाइंड डोमेन न्यूमरेटर इज फैक्टराइज एक्स माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस थ्री, डिनोमिनेटर इज फैक्टराइज एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री। सो डोमेन इज क्लियरली ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट वन एंड थ्री। वन एंड थ्री, वेरी करेक्ट। ये डोमेन हो गया। अच्छा जी, अब हम क्या करें इसके बाद? चलो डोमेन तो आ गया, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? नेक्स्ट स्टेप होता है x in terms of y, x in terms of y लिखना। लेकिन दिक्कत है कि अगर मैं डायरेक्टली x in terms of y लिखता हूं तो मुझे क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा, है ना? क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x में क्वाड्रेटिक आएगा और उससे हम y तक जाएंगे। But if you observe nicely, carefully, then you can see that there is a common factor in numerator and denominator. Can you see? There is a common factor x minus 3 which is there in numerator as well as denominator. So I can cancel. Can I cancel this common factor? No, sir. Why not? सर उससे रेंज या फिर डोमेन का कुछ पार्ट कट हो जाएगा। कुछ पार्ट कट हो जाएगा, बट अच्छा, इफ आई कंसीडर दिस एज अ डोमेन, अगर ये डोमेन लेके चलूं तो कैंसिल कर सकता हूं। यस सर, बिकॉज ये डोमेन में x x 3 के इक्वल है नहीं। अगर x 3 नहीं है तो x माइनस 3 जीरो नहीं है। अगर x माइनस 3 जीरो नहीं है तो हम कैंसिल तो कर सकते हैं, कैंसिलेशन में इश्यू नहीं है। बट यस, एक दूसरा फंक्शन बन जाएगा, एक दूसरा फंक्शन बन जाएगा। क्या बनेगा? y इज इक्वल टू क्या बनेगा बोलो? x प्लस थ्री अपॉन x माइनस वन बन जाएगा। लेट मी कॉल दिस फंक्शन एज gx। हमारा ओरिजिनल फंक्शन क्या था? fx था। ये वाला फंक्शन हमारा क्या था? ये वाला fx फंक्शन था। बट अभी जो मैं लिख रहा हूं ये फंक्शन क्या है? gx। और दोनों में थोड़ा सा फर्क है। क्या फर्क है? फर्क ये है कि जो अभी हमने फंक्शन लिखा जी एक्स, इस जी एक्स की जो डोमेन है वो क्या है बताओगे? व्हाट इज द डोमेन ऑफ जी एक्स? ऑल रियल एक्सेप्ट वन। ऑल रियल एक्सेप्ट वन। इसका मतलब है कि जी एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू थ्री। यू कैन ऑब्जर्व जी एक्स इज डिफाइंड एट एक्स इक्वल टू थ्री एंड इट्स वैल्यू एट थ्री इज जीरो। No, no, no. Nine. No, no, nine. No. 3 plus 3, 6 divided six by 2 is 3. 3. तो g of 3, 3 है. But fx हमारा जो function है, ये 3 पर defined नहीं है. F3 is not defined. Are you okay with this? Yeah. F3 yes, is sir. Not defined. बस यही फरक है. यही एक 3 input के corresponding दिक्कत है. Remaining सारे inputs की बात करें, जो input F को देंगे वही इनपुट G लेगा और दोनों सेम आउटपुट जनरेट करेंगे। डू यू एग्री और नॉट? यस। एंड इफ यू एग्री टू दिस देन आई कैन डेफिनेटली क्लेम दैट रेंज ऑफ F विल बी सेम एज रेंज ऑफ G एक्सेप्ट G ऑफ 3। एग्रीड और नॉट? यस यस। क्योंकि बेटा जो G को इनपुट दोगे ऑल रियल एक्सेप्ट वन, वही इनपुट अब एफ को भी दोगे ऑल रियल एक्सेप्ट वन, है ना?
उस इनपुट की कंडीशन में दोनों फंक्शन का आउटपुट सेम आएगा क्योंकि सिर्फ x माइनस 3 फैक्टर कैंसिल हुआ है ऊपर नीचे से। इसका मतलब जो रेंज g से आएगा, जो वैल्यू g की आएगी वही f की आएगी, सिर्फ एक वैल्यू का फर्क होगा। कौन सी वैल्यू? 3 इनपुट के कॉरेस्पॉन्डिंग gx फंक्शन आउटपुट देगा बट fx नहीं देगा। तो हमने g का रेंज निकाल लेना। अब g का रेंज निकालना तो आसान है ना, g का रेंज निकालना बहुत ही आसान है। x इंटू y माइनस y क्रॉस मल्टीप्लाई करो इज इक्वल टू x प्लस 3। अब पूरा मेथड फॉलो करो, कोई इश्यू नहीं है। अब यहां से क्या है, x इंटू y माइनस 1 इज इक्वल टू y प्लस 3, एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y, x इज इक्वल टू y प्लस 3 डिवाइडेड बाई y माइनस 1। अब अप्लाई द डोमेन रिस्ट्रिक्शन। व्हाट इज डोमेन रिस्ट्रिक्शन? x कैन बी रियल, x टू बी रियल। क्या होना चाहिए x को रियल होने के लिए, y क्या नहीं होना चाहिए? वैसे तो y कुछ भी हो सकता है, हाँ, तो y shall not be equal to 1 and therefore what is the range of gx? All real except 1. All real number except 1, but therefore range of fx will be equal to all real except 1 and 3. Very correct. All real except 1 and 3. So what I meant to say that range nikalte samay inversion method is okay. सिर्फ यही ध्यान देना है कि अगर इन्वर्जन मेथड में कुछ रेस्ट्रिक्ट, जब फंक्शन को थोड़ा चेंज करो, आप डायरेक्टली उस फंक्शन की रेंज निकाल रहे हो, कोई इशू नहीं। लेकिन अगर फंक्शन में थोड़े ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हो तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि उसके डोमेन में थोड़ा चेंज हो जाएगा, फंक्शन कोई दूसरा फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अगर वो दोनों फंक्शन इक्विवेलेंट है, सेम डोमेन है, इक्वल आइडेंटिकल फंक्शन है, सेम डोमेन सेम रेंज है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसका डोमेन वगैरह में थोड़ा चेंज हो गया तो उस चेंज का ध्यान रखना पड़ेगा। दैट्स इट, व्हिच इज अ वेरी इंट्रिकेट, वेरी सेंसिटिव पॉइंट। इफ यू डोंट केयर अबाउट दैट चेंज देन योर आंसर माइट बी रॉन्ग, बिकॉज मोस्टली द स्टूडेंट आंसर दिस क्वेश्चन एज ऑल रियल एक्सेप्ट वन, व्हिच इज एक्चुअली द रेंज ऑफ जी, इट इज नॉट द रेंज ऑफ एफ। तो ये हो गया तुम्हारा मेथड ऑफ इन्वर्जन, ठीक है। अब आ जाते हैं दूसरा मेथड ऑफ कंपोजिशन पर। मेथड ऑफ कंपोजिशन क्या है उस पर भी एक क्वेश्चन फिर से कर लेते हैं जी। मेथड ऑफ कंपोजिशन, मेथड ऑफ कंपोजिशन का मतलब करके दिखाते हैं ना, उसी में सारा समझ में आ जाएगा, फिर से फिर क्वेश्चंस करते हैं। कंपोजिशन मेथड बोलता है क्या कि जैसे मान लो अगर तुम्हारा कोई फंक्शन है वाई इज इक्वल टू, सिंपल सा केस लेते हैं, बहुत सिंपल सा केस लेते हैं, वाई इज इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5, मान लो ऐसा कोई फंक्शन है। तो बेसिकली इस फंक्शन को हम कंपोजिशन में ब्रेक करने का मतलब क्या है, लेट मी कॉल दिस फंक्शन एज f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, मान लो। तो व्हाट इज x, व्हाट इज hx? तो आई कैन से दैट hx इज इक्वल टू sin x। What is gx? Gx is equal to x square. What is fx? Fx is equal to 3x plus 5. ऐसा बोल सकता हूं मैं? तो पहला केस, yes. अभी मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, नॉट टू वरी। तो पहला स्टेप इसमें क्या है जी, व्हाट इज द स्टेप वन? स्टेप वन है, स्टेप वन क्या है, दैट एक्सप्रेस the function, express the given function in the form of composite function and identify the component functions. जैसे देखो, अगर एच एक्स साइन एक्स है और जी एक्स एक्स स्क्वायर है तो जी एच एक्स क्या होगा? जी ऑफ एच एक्स तुम्हारा होगा जी ऑफ साइन स्क्वायर, जी ऑफ साइन एक्स, क्योंकि एच एक्स साइन एक्स है और जी ऑफ साइन एक्स होगा साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन एक्स का होल स्क्वायर। और एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स क्या होगा? तो एफ एफ को इनपुट देंगे आप साइन स्क्वायर एक्स, तो x की जगह f में क्या डाल दो, जी एच एक्स डाल दो, तो आ जाएगा 3 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5। तो पहली बात तो ये समझने वाली बात है कि आपने कैसे कंपोनेंट में ब्रेक किया। कंपोनेंट फंक्शन कौन कौन से हैं? f इज कंपोनेंट फंक्शन, g इज कंपोनेंट फंक्शन,
एच इज कंपोनेंट फंक्शन, ये कंपोनेंट्स हैं, आइडेंटिफाई कर लिया मैंने कि पहले एक्स के ऊपर ये ऑपरेट किया, कुछ आया, उसके ऊपर ये ऑपरेट हुआ, कुछ और आया, उसके ऊपर ये ऑपरेट हुआ और फंक्शन बन गया. दैट इज कॉल्ड दोज कंपोनेंट फंक्शंस आर अप्लाइड ओवर एक्स वन आफ्टर अनदर इन सीक्वेंस टू गेट द फाइनल फंक्शन. सो यू गॉट द कंपोनेंट फंक्शन मतलब एफ जी एच एटसेट्रा. अब दूसरा स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई, राइट डाउन, आइडेंटिफाई द मोनोटोनिसिटी, टेस्ट द मोनोटोनिसिटी. मोनोटोनिसिटी समझते ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग नेचर, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग मोनोटोनिसिटी ऑफ कंपोनेंट फंक्शंस. कंपोनेंट फंक्शन समझ ही गए होंगे आप, जो छोटे छोटे फंक्शंस ये बना कंपोनेंट फंक्शन. फॉर एग्जांपल जैसे इसी केस में करके देखते हैं, ये जो एफ फंक्शन है इसकी मोनोटोनिसिटी क्या है, एफ की, एफ एक स्ट्रेट लाइन है, स्लोप 3 है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन, स्लोप पॉजिटिव है, डिफरेंशिएट करके पता कर सकते हैं. जीएक्स की मोनोटोनिसिटी क्या है, तो ये आपको पता ही है कि इंक्रीजिंग है जब एक्स पॉजिटिव है और डिक्रीजिंग है जब एक्स नेगेटिव है, याद है ना. यस yes. ये पैराबोला होता ना, ऐसे डिक्रीज करेगा नेगेटिव साइड में फिर इंक्रीज करेगा ऐसे. इसी तरह से साइन की मोनोटोनिसिटी भी पता ही है कि पहले जीरो से पाई बाई टू तक या माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है. तो हमें तीनों फंक्शन की मोनोटोनिसिटी पता है, पता है तो कोई इश्यू नहीं है, आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं तीसरा स्टेप बोलता है क्या, फाइंड द डोमेन ऑफ फंक्शन. से डोमेन है एक्स अल्फा टू बीटा, ठीक है. मान लो हमने जो मोनोटोनिसिटी डिसाइड करी, मान लो तो हमारी मोनोटोनिसिटी सपोज करो ये आ गई कि एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन एट सम इंटरवल, एंड मान लो जी इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन इन सम इंटरवल, एंड एच जो है वो भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, या मान लो एफ डिक्रीजिंग है, ये भी हो सकता है कि एफ डिक्रीजिंग है, मान लो एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं अभी. अब तो होगा क्या, होगा ये, मान लो ये केस है, से दिस इज द सिचुएशन दैट किसी इंटरवल में एफ इंक्रीज कर रहा है, एफ डिक्रीज कर रहा है, जी इंक्रीज कर रहा है, एच इंक्रीज कर रहा है, ओके. तो होगा क्या, एक्स अल्फा से बीटा है, मान लो ये डोमेन है, हम पहले क्या ऑपरेट करेंगे बेटा, पहले हम ऑपरेट करेंगे एच, और एच हमारा क्या है, इंक्रीजिंग. तो हम ऐसे लिखेंगे एच अल्फा लेस देन इक्वल टू एच एक्स लेस देन इक्वल टू एच बीटा, क्योंकि इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती है. फिर इसके बाद में एच एक्स की रेंज आ गई है, एच के ऊपर क्या ऑपरेट करना है, जी, ये जी ऑपरेट करना, देखो जी देख रहे हो ना, यहां पर देखो, यहां एच के ऊपर में क्या ऑपरेट हो रहा है, जी ऑपरेट हो रहा है. तो जी ऑपरेट करो, जी कैसा फंक्शन है, जी भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, जी इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जी ऑफ एच ऑफ अल्फा लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एच एक्स लेस देन इक्वल टू जी ऑफ एच ऑफ बीटा. मतलब पहले हमने एच एक्स की, एच एक्स एक्स अगर यहां से यहां वेरी कर रहा है तो एच एक्स कहां वेरी करेगा, फिर एच एक्स अगर यहां से यहां वेरी कर रहा है तो जी एच एक्स कहां वेरी करेगा. अब जी एच एक्स अगर इस इंटरवल में वेरी कर रहा है तो एफ ऑपरेट करना है. एफ के बारे में मैंने क्या लिया है, यहां पर क्या कंसिडर किया है, डिक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करने पर इनइक्वालिटी क्या हो जाती है, रिवर्स. तो अब हो जाएगा क्या, एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ अल्फा इज ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एच ऑफ बीटा. मान लो ये एक चीज m है, m, और ये है कैपिटल m, तो रेंज आ गई कि नहीं आ गई, रेंज ऑफ y इज इक्वल टू स्मॉल m टू कैपिटल m. तो ये प्रोसीजर है कि ऐसे आपको चलना है. अब चलो इसी प्रोसीजर को जरा फॉलो करके देखते हैं, जो हमारा एग्जांपल हमने लिया उसके लिए. तो हाउ टू गो अहेड विद दिस प्रोसीजर, लुक एट इट, इसको हटा देते हैं. सबसे पहले मेरे को क्या दिया कि डोमेन इसका क्या है जी, डोमेन है रियल नंबर, है कि नहीं बोलो. हर एक्स के लिए साइन एक्स डिफाइंड है, जब साइन एक्स डिफाइंड है तो उसका स्क्वायर करो, 3x प्लस 5 फंक्शन ऑपरेट करो, हमेशा डिफाइंड है. डोमेन ऑल रियल नंबर है, तो हम डोमेन एक्स से लिखेंगे, भाई अगर एक्स जो है तुम्हारा माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी है, जरा ध्यान से बोलना, तो साइन एक्स कहां से कहां रेंज करेगा बेटा, अगर साइन एक्स को रियल -1 से 1, वेरी करेक्ट. तो ये हमने साइन एक्स वेरीज -1 से 1 कर दिया.
अब ये क्यों किया, बाय और एक्सपीरियंस, अदरवाइज मैं क्या करता, अदरवाइज मैं बोलता कि भाई ऐसा है कि अगर x माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है तो x माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू भी तो वेरी करेगा, क्योंकि माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी इंटरवल का एक सबसेट है माइनस पाई बाय टू टू पाई बाय टू, और माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में साइन एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? यस यस सर। और माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू में अगर साइन एक्स इंक्रीजिंग फंक्शन है तो आप साइन ऑपरेट कर दो, साइन माइनस पाई बाय टू माइनस वन हो जाएगा, साइन पाई बाय टू वन हो जाएगा, तो हमने क्लेम किया कि साइन एक्स माइनस वन से वन सारी वैल्यू लेगा, और हम पहले से जानते हैं कि साइन की वैल्यू इसके बियॉन्ड हो नहीं सकती, इसका मतलब है कि आगे भी चल के यही वैल्यू बार बार रिपीट करते हुए लेगा, तो साइन एक्स माइनस वन टू वन। अब हमें क्या करना है, स्क्वेयरिंग। स्क्वेयर फंक्शन हमारा क्या होता है, नेगेटिव में डिक्रीज करता है और पॉजिटिव में इंक्रीज करता है, तो उसके लिए हम ऐसे लिखते हैं माइनस वन लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू जीरो और जीरो लेस देन इक्वल टू साइन एक्स लेस देन इक्वल टू वन। हमने नेगेटिव वाला अलग कर दिया, पॉजिटिव वाला अलग, क्योंकि मोनोटोनिसिटी अलग है एक्स स्क्वायर की दोनों में। अब हम क्या करेंगे बोलो, व्हाट एल्स वी आर गोइंग टू डू? अब हम इस पे क्या ऑपरेट करेंगे, स्क्वायर फंक्शन। स्क्वायर फंक्शन यहां ऑपरेट करोगे तो डिक्रीजिंग फंक्शन है ना नेगेटिव इनपुट पे, देखो नेगेटिव इनपुट पे एक्स स्क्वायर डिक्रीज कर रहा है तो डिक्रीजिंग फंक्शन तीन इक्वालिटी चेंज होगी, माइनस वन का स्क्वायर क्या होगा वन, यहां से यहां लिख रहे हैं वन, लेस का क्या हो गया ग्रेटर देन इक्वल टू, साइन स्क्वायर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, सही बात है। अगर साइन एक्स की वैल्यू माइनस वन से जीरो होगी तो स्क्वायर ऑफ साइन एक्स की वैल्यू जीरो से वन होगी, इज दैट क्लियर और नॉट? और जब साइन एक्स जीरो से वन है तो पॉजिटिव है, अब पॉजिटिव के ऊपर में आप एक्स स्क्वायर ऑपरेट कर रहे हो तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, जीरो लेस देन इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू वन, तो इन दोनों को देखो तो एक ही बात आई ना, माइनस वन से जीरो में भी साइन स्क्वायर एक्स की रेंज जीरो से वन आई, इधर भी जीरो से वन आई, दोनों का और मतलब क्या हो गया, यूनियन। यूनियन लिया तो हमारे पास आया कि साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू कहां से कहां लाई कर गई बेटा, जीरो क्लोज से वन क्लोज्ड। अब इसके ऊपर कौन सा फंक्शन ऑपरेट होगा जी, अब इसके बाद हमारा एफ ऑपरेट होगा विच इज इक्वल टू वॉट, थ्री एक्स प्लस फाइव। अब ये हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमेशा इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसको ऑपरेट करेंगे तो एफ जीरो लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ वन। एफ जीरो क्या होगा बेटा, फाइव लेस देन इक्वल टू एफ ऑफ साइन स्क्वायर एक्स, वही आ जाएगा थ्री साइन स्क्वायर एक्स प्लस फाइव, एंड लेस देन इक्वल टू एफ वन क्या आ जाएगा एट। तो आंसर क्या आएगा, रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू फाइव से एट। अब इसमें अगर कॉन्सेप्चुअली, ये तो पूरा कॉन्सेप्ट मैंने इलस्ट्रेट किया कि ऐसे ऐसे प्रोसीजर चलेगा, लेकिन वैसे देखो तो आप थोड़ा कॉमन सेंस से फटाफट आंसर कर सकते थे, इट वाज नॉट अ बिग टास्क। कैसे, वो ऐसे कि भाई आप सीधे सीधे बोलते कि ये जो साइन स्क्वायर एक्स है तो हमें पता ही है ना कि थ्री साइन स्क्वायर एक्स, थ्री साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो से थ्री, तो थ्री साइन स्क्वायर एक्स डायरेक्टली हम बोलते हैं कि इसकी वैल्यू मिनिमम तो जीरो ही हो सकती है क्योंकि स्क्वायर क्वांटिटी है तो नेगेटिव हो नहीं सकता, और मैक्सिमम क्या हो सकती है थ्री। मिनिमम बता दिया मैक्सिमम बता दिया, तो अपने आप इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम कि ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, मिनिमम वैल्यू जीरो ले रहा है मैक्सिमम थ्री ले रहा है, तो जीरो से थ्री के बीच की सारी वैल्यू लेगा, तो ये रेंज आ गई। अब इसमें फाइव ऐड कर दो, फाइव ऐड करोगे तो मिनिमम क्या हो जाएगा फाइव, यहाँ आ जाएगा वाई, यहाँ आ जाएगा फाइव प्लस थ्री एट, एंड देयरफॉर वाई बिलोंग्स टू फाइव टू एट। तो जो मैंने करके दिखाया वो जस्ट कंपोजिशन का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि ये प्रोसीजर होता है, ऐसे क्वेश्चन का आंसर तो देख के बता सकते हैं कि मिनिमम वैल्यू 5 है मैक्सिमम 8 है, दैट्स इट। तो दीज आर द टू मेथड्स, मेथड ऑफ कंपोजिशन एंड मेथड ऑफ इन्वर्जन। अब हमें क्या चाहिए, अब इसके अलावा हमें कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन की रेंज पता होनी चाहिए, तो रेंज ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन जहां पर आपने डोमेन की लिस्ट लिखी थी, लिस्ट ऑफ डोमेन, वहीं पर आप रेंज ऐड कर दो। रेंज ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन में क्या है जी, वही फंक्शन मैं लेके चल रहा हूं, जैसे कि पॉलिनोमियल फंक्शन, तो पॉलिनोमियल फंक्शन अगर ध्यान से देखो तो जो क्यूबिक ऑड डिग्री के पॉलिनोमियल होते हैं वो माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी सारी वैल्यू लेते हैं, तो ऑड डिग्री का पॉलिनोमियल है तब तो उसकी रेंज है ऑल रियल नंबर, एक्स क्यूब एक्स फाइव या एनी पॉलिनोमियल हुज डिग्री इज ऑड, क्यूबिक पेंटिक ऐसा।
इवन डिग्री का पॉलीनोमियल है, जैसे क्वाड्रेटिक, जैसे कि बाई क्वाड्रेटिक, तो उसकी रेंज हमें पहले से नहीं, क्वाड्रेटिक की तो पता होती है, क्वाड्रेटिक की रेंज निकालना तो हमें आता है, आई होप यू रिमेम्बर। अगर हमारा y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, 11th में किया था आपने, अगर a पॉजिटिव है तो इसका ग्राफ ऐसे होगा ना, ऐसे, यस सर। और इस वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट y मिनिमम होगा, तो y मिनिमम क्या होता है कुछ याद है? वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट होता है माइनस बी बाई टू ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए। तो व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? नेगेटिव डिस्क्रिमिनेंट बाई फोर ए। तो उस केस में इसकी रेंज जो आएगी वो आ जाएगा माइनस डी अपॉन फोर ए टू इंफिनिटी, क्योंकि हेयर यू गेट द लीस्ट वैल्यू ऑफ वाई, वाई कोऑर्डिनेट मिनिमम है क्योंकि ये डिक्रीज करते हुए लीस्ट वैल्यू ले रहा है, और इसके बाद ये इंक्रीज करने लगा तो इससे छोटी वैल्यू लेगा नहीं, तो ये मिनिमम वैल्यू है, और मैक्स वैल्यू तो क्लियरली इट इज गोइंग टू इंफिनिटी। बट इसी तरह से ये भी याद हो कि अगर ए नेगेटिव है तो ये ग्राफ ऐसा होगा नीचे की तरफ। अब ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट तो वही होगा माइनस बी बाई टू ए कॉमा नेगेटिव डी बाई फोर ए, बट हेयर द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स विल गिव यू द मैक्स वैल्यू। तो रेंज क्या आ जाएगी? तो रेंज यहां पर आ जाएगी नेगेटिव इंफिनिटी टू नेगेटिव डी अपॉन फोर ए, क्लोज्ड। सो क्वाड्रेटिक रेंज आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं या स्क्वायर कंप्लीट कर लो, स्क्वायर कंप्लीट कर लो तो भी यही आएगा, सेम आंसर आ जाएगा आपका। ओके, तो ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन बाई क्वाड्रेटिक है या सिक्स डिग्री है तो आपको डिफरेंशिएट करके डेरिवेटिव करके मिनिमम वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तब जाके रेंज आएगी मिनिमम या मैक्सिमम से। तो उसकी बात, वो तो कैलकुलस वाले मेथड में आएगा ही आएगा। आगे चलते हैं, पॉलिनोमियल की बात हो गई, रेशनल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन की रेंज क्या है? जीरो ओपन से इन्फिनिटी, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन कभी नेगेटिव वैल्यू नहीं लेता, बता चुका हूं मैं। लॉग की रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर। एक्सपोनेंशियल की जो डोमेन है वो लॉग की रेंज है क्योंकि दोनों इनवर्स फंक्शन है ना। साइन एक्स की रेंज क्या है? माइनस वन से वन। कॉस की रेंज क्या है? माइनस वन से वन। टेन की रेंज क्या है? ऑल रियल नंबर। आई होप यू एग्री। कॉट की रेंज क्या आएगी? कॉट की, कॉट का ग्राफ भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी होता है, ऑल रियल नंबर। जब आपको रेंज देखना हो ना तो उस फंक्शन के ऊपर वाई कोऑर्डिनेट ऑब्जर्व करना है, वाई को ट्रैक करो कि वाई मिनिमम से मैक्सिमम कहां तक जा रहा है। जब आपको डोमेन देखना हो तो फंक्शन के ग्राफ पर एक्स कोऑर्डिनेट देखो कि एक्स कहां से कहां वेरी कर रहा है। सीकेंट एक्स की रेंज क्या है? सीकेंट की रेंज क्या है? तो कॉस का रेसिप्रोकल है। सीकेंट क्या है? कॉस का रेसिप्रोकल है। तो देखो सीकेंट एक्स की रेंज ऐसे निकलती है, जैसे कॉस एक्स की रेंज हमारी क्या है? माइनस वन से वन। क्या मैं रेसिप्रोकल ले सकता हूं यहां पर? यहां पर मैं डायरेक्टली रेसिप्रोकल नहीं अप्लाई कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि इस इंटरवल में कॉस की वैल्यू जीरो भी होगी, और जब कॉस जीरो होगा तो वन अपॉन कॉस डिफाइंड नहीं होगा। इसलिए पहला स्टेप होता है कि इसको ऐसे कर दो, ब्रेक कर दो, माइनस वन से कॉस एक्स से जीरो, और जीरो से कॉस एक्स लेस देन इक्वल टू वन, ऐसे जीरो डिलीट कर दो। क्या किया मैंने? जीरो को डिलीट कर दो इस इंटरवल से, जीरो हटा दो। मतलब जब जब कॉस की वैल्यू जीरो होगी सीकेंट डिफाइंड नहीं होगा, इसलिए कॉस एक्स जीरो नॉट अलाउड। तो मैंने ओपन इंटरवल कर दिया। अब इसके बाद मैं रेसिप्रोकल करूंगा। आपको पता है कि रेसिप्रोकल फंक्शन कैसा फंक्शन होता है बेटा? डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, क्योंकि इसका dy by dx जो होता है वो नेगेटिव वन बाई एक्स स्क्वायर होता है, लेस देन जीरो। अप्लाई करो तो माइनस वन का रेसिप्रोकल माइनस वन, लेस का हो जाएगा ग्रेटर, कॉस का रेसिप्रोकल सीकेंट, लेस का हो जाएगा ग्रेटर, जीरो, ये जीरो नेगेटिव बोलते ना इसको, लेस देन जीरो है, कॉस की वैल्यू जीरो से छोटी है, जीरो नेगेटिव बोलते हैं। जीरो नेगेटिव का रेसिप्रोकल माइनस माइनस, और ये जीरो पॉजिटिव का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी, लेस का ग्रेटर, कॉस का सीकेंट, और ग्रेटर देन इक्वल टू वन का वन। अब आप खुद देखो कि सीकेंट एक्स तुम्हारा कहां से कहां वेरी कर रहा है। हाँ, माइनस इन्फिनिटी से लेके नेगेटिव वन वेरी कर रहा है, यूनियन वन क्लोज से लेके इन्फिनिटी वेरी कर रहा है। और अगर आप वेरीफाई करना चाहते हो तो मैं इसको ग्राफिकली भी दिखा सकता हूं। देखो कॉस का ग्राफ ऐसा होता है, ध्यान से अगर आप ऑब्जर्व करो तो, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, और इसके बाद ये ग्राफ ऐसा चला जाता है, ऐसा पाई बाई टू से पाई, और पाई से थ्री पाई बाई टू। जब हम एक पीरियोडिक
इंटरवल है। एक पीरियड में मैंने कॉस का ग्राफ ड्रॉ किया है, एक पीरियड में कॉस का ग्राफ आप देख रहे होंगे। अब हमें इसी का रेसिप्रोकल करना है। देखो ध्यान से, जहां जहां रूट आ रहा है ना वहां पर ऐसे वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर दो। मैंने 11th करते समय आपको बताया था कि कैसे ग्राफ बनाते हैं कॉस से सीकेंट का। कॉस से सीकेंट मतलब वाई, वाई कोऑर्डिनेट कॉस का जो है उसी का रेसिप्रोकल लेना। तो वन का रेसिप्रोकल तो वन ही आएगा, है ना। जब कॉस की वैल्यू वन हो रही तो उसका रेसिप्रोकल भी वन रहेगा। और इसके बाद इसके आगे जाओ तो कॉस क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब कोई फंक्शन डिक्रीज करेगा तो रेसिप्रोकल इंक्रीज करेगा। तो ये यहां से रेसिप्रोकल फंक्शन से ऊपर की तरफ जाएगा ऐसे। जब ये जीरो की तरफ जाएगा तो वो प्लस इंफिनिटी चला जाएगा ऐसे। बिकॉज इवन फंक्शन है, कॉस वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इधर वाला ग्राफ जस्ट इसी का मिरर इमेज आएगा ऐसे। ऐसा अब जरा देखो, ये वन से इंफिनिटी हो रही वैल्यू की नहीं, ये जो ये जो सीकेंट का ग्राफ ऊपर की तरफ ऐसे देखा आपने, उसकी मिनिमम वैल्यू वन है, मैक्सिमम इन्फिनिटी है, तो इट इज वन टू इन्फिनिटी। तो वन से इन्फिनिटी वैल्यू ले लिया। इसी तरह से जब इधर आओ, ये माइनस वन है, जब ये जीरो के आगे जाएगा तो कॉस की वैल्यू नेगेटिव हो गई। जीरो नेगेटिव का रेसिप्रोकल प्लस माइनस इन्फिनिटी। तो ये माइनस इन्फिनिटी से इंक्रीज करते हुए, क्योंकि ये डिक्रीज कर रहा है, जब फंक्शन डिक्रीज करेगा तो रेसिप्रोकल इंक्रीज करेगा हमेशा। तो ये यहाँ वन आएगा और सिमेट्री से इधर फिर माइनस चला जाएगा। तो आप खुद देख सकते हो, ये ब्लैक कलर का जो ग्राफ मैंने ड्रॉ किया है, ये किसका ग्राफ है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये येलो कलर सीकेंट एक्स सीकेंट, और इसकी वैल्यू दिख रही है ना माइनस इनफिनिटी से माइनस वन यूनियन वन से इनफिनिटी। यस यस। सो ये सीकेंट हुआ, और जो सीकेंट हुआ वही क्या हो गया, कॉस सीकेंट। हाँ, तो माइनस इसको लिख सकते हो आप, माइनस इनफिनिटी से नेगेटिव इनफिनिटी से माइनस वन क्लोज यूनियन वन क्लोज से इनफिनिटी। कभी कभी इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ओपन इंटरवल माइनस वन से वन, ठीक है। और यही कॉसेकेंट का भी ग्राफ होगा एग्जैक्टली, माइनस ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट माइनस वन से वन ओपन। तो यहां तक तो बिल्कुल क्लियर है, सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गए, लॉग का रेंज पता चल गया, एक्सपोनेंशियल का पता चल गया, पॉलिनोमियल का सिलेक्ट केसेस का रेंज पता चल गया। सो इसके अलावा कौन से फंक्शन होते हैं भाई, जो जिसको हम यूज करते हैं एलिमेंट्री फॉर्म में? एक तो इनवर्स वाले होते हैं सारे, तो इनवर्स में देख लो, कॉसेकेंड कॉसेकेंड हो ही गया, हाँ इनवर्स साइन इनवर्स एक्स। अब जब इनवर्स की बात आएगी तो हमेशा वही बात बोलना आप, क्या कि जो इनवर्स की रेंज होती है वो फंक्शन का प्रिंसिपल डोमेन होता है। बिल्कुल सही। तो इन रेंज ऑफ इनवर्स इज प्रिंसिपल डोमेन ऑफ फंक्शन। तो साइन का प्रिंसिपल डोमेन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। रेंज ऑफ कॉस इनवर्स इज प्रिंसिपल डोमेन ऑफ कॉस जीरो से पाई। टैन इनवर्स का रेंज प्रिंसिपल डोमेन ऑफ टैन माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू। कॉट इनवर्स का रेंज कॉट का प्रिंसिपल डोमेन ओपन जीरो से पाई। कॉस और कॉट का प्रिंसिपल डोमेन सेम होता है, फर्क सिर्फ ओपन और क्लोज का होता है। सीकेंट इनवर्स का रेंज जो सीकेंट का प्रिंसिपल डोमेन है, सीकेंट और कॉस का प्रिंसिपल डोमेन सेम होता है, सिर्फ पाई बाय टू हटा दो क्योंकि पाई बाय टू पर सीकेंट डिफाइन नहीं होता। जीरो टू पाई एक्सेप्ट पाई बाय टू। कॉसेकेंट इनवर्स का साइन इनवर्स के साथ मैच करेगा, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, उसमें से जीरो हटा देना क्योंकि जीरो पर कॉसेकेंट डिफाइंड नहीं होता, इनवर्स भी डिफाइंड नहीं होगा। सो दिस इज वॉट वी कॉल रेंज ऑफ इनवर्स फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की रेंज तुम्हें पता होनी चाहिए, सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक की रेंज पता होनी चाहिए, एक्सपोनेंशियल लॉग और पॉलिनोमियल की रेंज पता होनी चाहिए, रैशनल फंक्शन की रेंज निकालना अभी पीछे आपने सीखा, दो चार एग्जांपल देके मैंने बताया, ठीक है। इसके अलावा कौन सा फंक्शन यूज करते हैं भाई, जिंट मॉड फ्रैक्शनल पार्ट, उसकी रेंज तो तुम्हें पता ही है। जिंट की रेंज क्या है, ऑल इंटीजर्स। फ्रैक्शनल पार्ट की रेंज क्या है, क्लोज्ड जीरो से वन। ये सब तो सब कर चुके हैं ना हम लोग, बोलो। मॉड एक्स की रेंज क्या है, मॉड एक्स की रेंज क्या है, ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव नहीं, जीरो भी होगा ना, जीरो जीरो क्लोज टू जीरो से जीरो क्लोज टू इनफिनिटी। जिंट एक्स की सेट ऑफ इंटीजर, फ्रैक्शनल पार्ट की जीरो क्लोज से वन, एंड मॉड की आपको पता ही है जीरो क्लोज से इनफिनिटी। मॉड एक्स की जीरो क्लोज से इनफिनिटी। और एक और बता देता हूं मैं आपको, अगर एक्स का इवन रूट है, इवन रूट स्क्वायर रूट या फोर्थ रूट, तो इसकी रेंज क्या आएगी, जीरो क्लोज से इनफिनिटी। बट अगर एक्स का ऑड रूट है, क्यूब रूट, तब ये ऑल रियल नंबर है, माइनस इनफिनिटी से इनफिनिटी। सो एटलीस्ट सो मेनी फंक्शंस रेंज
should be there in your mind while solving problem. Question करते समय आपको ये वाली ranges दिमाग में होनी चाहिए, ठीक है? अब मान लो हमें, अब हमारे पास ये रेंज है और हमें पता है कि हम रेंज निकालते कैसे हैं, ठीक है? दोनों मेथड हमें पता है, तो अब क्वेश्चंस पे चलेंगे और फटाफट आंसर करेंगे। इसमें से अगर ऐसे वाले क्वेश्चन कर चुके हैं, क्योंकि गेम में भी रहे होंगे, आपने ट्राई किए होंगे, तो आप जो कर चुके हैं, जो कर चुके हैं उसको स्किप करेंगे, जो नहीं, जिसमें आपको पूछ रहा हूं कि इसको बता दो तो मैं वो बता देता हूं। इनमें से कोई बताना है? फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी, फर्स्ट डी, फर्स्ट ई, फर्स्ट क्वेश्चन में से किसी पार्ट का आंसर बताना है। ई का बता दो सर। ई का बता देता हूं मैं, कोई बात नहीं है, मतलब ए क्लियर है? यस सर। एक्स स्क्वायर प्लस फोर जो है वो मिनिमम वैल्यू फोर होगी और मैक्सिमम इंफिनिटी, और रूट लेंगे तो आ जाएगा टू लेस देन इक्वल टू रूट ऑफ दिस एंड लेस देन इंफिनिटी, and therefore y belongs to 2 से infinity. कुछ कुछ ऐसे ही कहानी हर एक में है। जैसे इसमें जाओगे तो यही, इसके बाद अब क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। रेसिप्रोकल करेंगे, दोनों साइड पॉजिटिव है तो 4 का रेसिप्रोकल 1 by 4 greater than equal to 1 upon x square plus 4 greater than infinity का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0। तो हमारा हमारा दूसरे केस में, ये वाले केस में रेंज क्या आ जाएगी, तो 1 upon x square plus 4 ranges its value from 1 by 4, 0 to 1 by 4. 0 is open, 1 by 4 is closed. तो देखो ये हो गया, ये हो गया, ऐसे इसमें कैसे निकालेंगे आप जानते ही हो, डिनोमिनेटर क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का स्क्वायर कंप्लीट करके रेंज निकाल लो, फिर रेसिप्रोकल कर देना, आ जाएगा। तो ये भी हो गया होगा, ये भी, ये वाला बोला आपने ई पार्ट करने के लिए, isn't it? Yes, sir. अब ई पार्ट में सबसे पहले डोमेन बताओ क्या होगा इसका डोमेन। All real except three. Very correct. Domain is minus infinity से zero, union zero से infinity. Zero नहीं होना चाहिए, इसलिए zero मैंने open कर दिया। अब हमें क्या करना है, cube root लेना है। Cube root function कैसा होता भाई? Cube root function y is equal to x की power 1 by 3 function, हमेशा y prime is 1 by 3 x की power minus 2 by 3. That is 1 by 3 x की power 2 by 3. इट इज हमेशा पॉजिटिव, क्योंकि एक्स करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, फिर क्यूब रूट लेंगे पॉजिटिव आएगा। इसका मतलब है ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मानते हो साहब? एक्स का क्यूब रूट कैसा फंक्शन है? यस सर, इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, तो आप माइनस इंफिनिटी का क्यूब रूट क्या आएगा भाई? माइनस इंफिनिटी लेस देन क्यूब रूट ऑफ एक्स, लेस देन जीरो का क्यूब रूट क्या आएगा? जीरो और जीरो का क्यूब रूट जीरो, लेस देन एक्स की पावर 1/3, लेस देन इनफिनिटी। यहां तक क्लियर? यस सर। अब क्या करना है मुझे? रेसिप्रोकल करेंगे तो आप जानते हो कि इनइक्वालिटी क्या होगी, रिवर्स। माइनस इनफिनिटी का रेसिप्रोकल क्या होगा? जीरो। लेस का ग्रेटर देन 1/x क्यूब रूट एक्स, यस आई एम ग्रेटर। ये जीरो नेगेटिव है, जीरो नेगेटिव का रेसिप्रोकल जीरो से जस्ट छोटा, जीरो से जस्ट छोटी नंबर का रेसिप्रोकल माइनस माइनस इनफिनिटी। यही ध्यान रखना आपको, लिमिट्स में मैंने बताया था 1/0 नेगेटिव इज माइनस इनफिनिटी, माइनस इनफिनिटी, एंड 1/0 पॉजिटिव इज प्लस इनफिनिटी, प्लस इनफिनिटी। अच्छा इधर वाला क्या है? इधर वाला जीरो पॉजिटिव है ये, तो इनफिनिटी इनफिनिटी ग्रेटर देन 1/ क्यूब रूट एक्स, क्यूब रूट एक्स, यस greater than 0. अब आ गया तुम्हारा y belongs to क्या रहा है बताओ? Negative infinity से 0, open union 0 से infinity. Zero मतलब infinity. इसका domain और range क्या आ गया? Same. इसका domain है, वही इसका range है. तो ये पहला question हो गया. अब आ जाओ दूसरे पर. दूसरा question, do you have doubt? किया है इसको कि नहीं? नहीं किया सर। करो अभी, करो फटाफट जल्दी से करो। अच्छा यहाँ पर याद रखने की बात क्या है समझो, यहाँ पर याद रखने की बात है कि जो फंक्शन y, जैसे NCR है कोई फंक्शन, है ना, तो NCR कब डिफाइंड होगा? NCR होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल। तो ये कब डिफाइंड होगा? इट इज डिनोमिनेटर जीरो ना हो,
इट इज डिफाइंड इफ नहीं सिर्फ डिनोमिनेटर जीरो ना हो ऐसा नहीं है, ये भी तो होना चाहिए ना कि फैक्टोरियल नेगेटिव नंबर का फैक्टोरियल थोड़ी डिफाइंड है. Yes. तो आपको पहले बोलना पड़ेगा कि n इज इंटीजर नेचुरल नंबर, मतलब इंटीजर मान लो n इज इंटीजर एंड n इज ग्रेटर देन आर जीरो. इंटीजर में तो नेगेटिव ही होता है, n इज ग्रेटर देन जीरो एंड r r भी ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. R greater than zero. Greater than or equal to zero. Yes, R, sir. R is greater than equal to zero and n minus R is greater than equal to zero. मतलब तीन condition है जी NCR define होने के लिए. क्या-क्या condition है? N is greater than equal to zero and n is greater than equal to R. है ना? And R is yes, greater sir. Than equal to zero. ये तीन condition है. n n सॉरी n स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए. n की वैल्यू जीरो अलाउ नहीं कर सकते हैं क्योंकि जब कोई ऑब्जेक्ट ही नहीं तो सिलेक्शन कैसे करेंगे. सिलेक्शन के लिए कम से कम एक ऑब्जेक्ट तो होना चाहिए और मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट नेचुरल नंबर होना चाहिए बट r जीरो हो सकता है. यू कैन हैव जीरो सिलेक्शन, ये हो सकता है. और yes. ये सभी क्या होंगे, n और r दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए. इंटीजर. अच्छा यही बात कमोवेश एनपीआर की भी है. एनपीआर क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल. n माइनस r फैक्टोरियल. तो यहां भी वही होना चाहिए, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, n इज ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r एंड एंड n माइनस r. हां n एंड r बोथ आर इंटीजर. ये कंडीशन, मतलब दोनों की कंडीशन मान लो सेम है, एनसीआर एनपीआर डिफाइन होने की कंडीशन सेम है. यूजिंग दिस हमें पहले F का डोमेन निकालो, G का डोमेन निकालो, तब जाकर के H का डोमेन मिलेगा और जब डोमेन मिलेगा तब हम रेंज की बात करेंगे. चलो डोमेन निकालो फटाफट, राइट डाउन द डोमेन. तो जब डोमेन निकालोगे तो क्या लिखोगे बोलो भाई, फॉर एफ एक्स डोमेन क्या होगा, x प्लस वन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, एंड 2x माइनस 8 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और n की वैल्यू r से बड़ी होनी चाहिए. तो x प्लस 1 की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2x माइनस 8 होनी चाहिए. ये तीन कंडीशन होगी और इस सारी कंडीशन में x क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए. ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि x प्लस 1 इंटीजर होना चाहिए इसलिए x भी इंटीजर होना चाहिए. अब यहां से कुछ आपको मिलेगा, क्या मिलेगा जी, पहले कंडीशन से तो मिला x इज ग्रेटर देन माइनस 1, दूसरी से क्या मिला, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, और तीसरी से क्या मिला बोलो, x इज लेस देन इक्वल टू बोलो माइनस 8 को इधर लाओ, x को उधर ले जाओ, लेस देन इक्वल टू 9, बट x होना चाहिए इंटीजर. तो ये सारी कंडीशन को मीट करते हुए x के ऊपर क्या क्या कंडीशन आई कि x बिलोंग्स टू 4 से बड़ा 9 या इक्वल, 9 से छोटा इक्वल, 4, 5, 6, 7, 8, 9. These are the six inputs which function fx can take. Now similarly, just let me know, tell me, what are the possible inputs gx can take? For gx, आप बताइए जरा, तो condition बोलते जाओ. 2x minus 8 क्या होना चाहिए, strictly positive. Greater than 0. X plus 1 greater than equal to 0. Greater than equal to 0. 2x minus 8. 2x minus 8 greater than equal to x plus. Plus 1. So and in here also x has to be integer. क्योंकि अगर x integer नहीं होगा तो ये non-integer आ जाएगा. Anyway, condition I x greater than 4. X is greater than equal to minus 1. और यहाँ से आ गया x is greater than greater equal, than equal to 9. This is something very interesting. क्योंकि ये सारी कंडीशन को वर्कआउट करो तो इन सबका इंटरप्रिटेशन आया कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9, मतलब x कैन बी एनी इंटीजर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 टू इंफिनिटी. अब तुम्हें बोला कि hx एक फंक्शन है जो fx और gx का प्रोडक्ट है और डोमेन का रूल क्या होता है भाई. डोमेन का रूल बोलता है कि अगर दो फंक्शन को ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो या मल्टीप्लाई करो, तीनों केसेस में जो रिजल्टिंग फंक्शन आता है उसका डोमेन का इंटरसेक्शन लेना पड़ता है. इंटरसेक्शन,
तो इंटरसेक्शन लेंगे, बिल्कुल सही बात है। तो डोमेन ऑफ एच, सबरीना बिल्कुल ठीक बोल रही है, डोमेन ऑफ एच इज डोमेन ऑफ एफ इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ जी एंड देयरफॉर ओनली वन एलिमेंट नाइन इज देयर। सो दिस एच एक्स फंक्शन इज डिफाइंड ओनली फॉर एक्स इक्वल टू 9। जब किसी फंक्शन का डोमेन में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो रेंज निकालने के लिए हमें कोई प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर हमें पता हो कि डोमेन में सिर्फ 1 से लेकर 9 तक की नेचुरल नंबर हैं, तो रेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक नेचुरल नंबर वैल्यू देंगे, 1, H1, H2, H3, H4 और वो सारे आउटपुट जो आएंगे उसका सेट बना के लिख देंगे। तो रेंज निकालने के जो दो मेथड आपको बताए गए, वो मेथड तभी लगाने हैं जब डोमेन कंटिन्यूअस इंटरवल हो, जब इनफिनिट नंबर ऑफ इनपुट्स हो, तब वो डोमेन लगाने हैं, और वो भी कंटिन्यूअस इनपुट्स हो। जब डिसकंटिन्यूअस या डिस्क्रीट इनपुट है तो हमें वो उस मेथड को अप्लाई करना नहीं है। तो यहां पर हमारा रेंज क्या होगा बताओ, रेंज ऑफ एच एक्स क्या होगा, इट इज ओनली एच ऑफ 9। एंड वॉट इज एच ऑफ 9, कैलकुलेट कर लो, H9 इज इक्वल टू F9 इंटू G9। F9 क्या है बच्चे, F9 यहां पुट करो, F9 10C10 यार, 18 माइनस 8 तो 10 ही आएगा ना नीचे, यस सर, 10C10 मल्टीप्लाइड बाय, इधर भी 9 पुट कर तो 10C10 इधर भी आएगा, 10C10 होता है 1, तो 1 इंटू 1 1 होता है, तो H9 1 आ गया, तो रेंज आ गया सिंगलटन 1। तो इसका डोमेन क्या आया भाई, इस फंक्शन का डोमेन आया इसका क्या, सिंगलटन नाइन और रेंज आ गया क्या, सिंगलटन 1। ठीक है जी, दोनों के डोमेन और रेंज समझ में आ रहे हैं ना, कैसे डोमेन कर रहे हैं, कैसे रेंज कर रहे हैं। ठीक है, अब चलो फटाफट आगे चलते हैं, फर्दर क्वेश्चंस पे चलते हैं। ओके, अब सोचो, अब अपने आप सोचेंगे, आप कुछ आंसर देंगे, फिर मैं आपको हिंट दूंगा या बताऊंगा। Always, whenever you have to find the range of some function, the very first step is you determine the domain. First, you point out the domain, figure out the domain, then only you think of range. Because many a times it will happen that after finding the domain, you will get some idea. Domain se hi idea mil jayega aapko kaise sochna chahiye. To bina domain ke range par aise dhakke nahi lagana hai, tukke se kaam nahi karna. Ab jaise ye question kya hai? 4 tan x into cos x, hai na? क्या है इसका डोमेन, ऑल रियल। अब देखो सबरीना, फैंटास्टिक बेटे, बिल्कुल सही, ऑल रियल नहीं बेटा, देखो सीधे समझो, आपने ऑल रियल कैसे लिखा जानते हो, आपने ऑल रियल इसलिए बोला बिकॉज आपने टेन और कॉस को मल्टीप्लाई करके क्या लिख दिया, इसको लिख दिया 4 times साइन ऑफ एक्स अपॉन कॉस ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स, यही लिखा ना, yes, फिर आपने बोला कि कॉस और कॉस को कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया तुम्हारा 4 sin x। मैं बोलूंगा कि एक्चुअली हमारा फंक्शन 4 sin x नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 4 sin x लाने के लिए पहले आपको कॉस इवेल्युएट करना पड़ेगा, कॉस आएगा तभी जाकर के टैन आएगा, टैन लाना ना हमें, टैन की वैल्यू निकालनी है, फिर कॉस की निकालनी है किसी एंगल के लिए, फिर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो अगर किसी इनपुट पर टैन नहीं डिफाइंड, जैसे पाई बाय 2 इनपुट दो, पाई बाय 2 पर ये तो डिफाइंड होगा कि नहीं होगा, हाँ, बट ये तो नहीं डिफाइंड होगा ना पाई बाय 2 पर, यस सर। इस वजह से आप बोलेंगे कि हमारा ये जो फंक्शन है इसका डोमेन क्या है, तो आप बोलेंगे देखो सबरीना ने सही आंसर दिया था, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 पर टैन अनडिफाइंड हो गया, इस वजह से ये फंक्शन डिफाइंड नहीं हुआ। अच्छा जी, दिस वाज द एक्चुअल डोमेन। अब हमने क्या किया कि कॉस और कॉस को कैंसिल कर दिया,
क्यों? क्योंकि मैंने बोला बिकॉज मैं पाई बाय टू इनपुट दे नहीं रहा हूं या पाई बाय टू के ऑड मल्टीपल इनपुट नहीं दे रहा हूं तो कॉस जीरो नहीं हो रहा है, इसलिए कैंसिल कर दिया। कैंसिल करके एक नया फंक्शन बना लिया और वो फंक्शन साइन एक्स है। नया फंक्शन है, इट इज अ न्यू फंक्शन, माइंड इट, इट इज नॉट द सेम फंक्शन जिसका रेंज हमें निकालना है, इट्स अ न्यू फंक्शन, बट इट इज वेरी फ्रेंडली फंक्शन टू द एफएक्स। ये एफएक्स का भाई है, ये एफएक्स का भाई है, भाई मतलब जो उसके साथ हमेशा रहता है, जो उसके जैसा ही बिहेव करता है, बट कभी कभी क्रिटिकल हो जाता है, कभी कभी क्रिटिकल सिचुएशन में उसका साथ छोड़ देता है। कौन सा क्रिटिकल सिचुएशन में इसने साथ छोड़ रहा है? ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल पाई बाय 2, वेरी करेक्ट। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस फंक्शन? ये वाला फंक्शन जिसको हम मान लेते हैं जी एक्स है, मान लो ये फंक्शन जी एक्स है, तो जी एक्स की रेंज क्या है बोलो? -4 से 4। जी एक्स की रेंज है -4 से 4, लेकिन इसमें तो वो वैल्यू भी आपने काउंट कर लिया जब जब साइन एक्स की वैल्यू ±1 हो रही है। Yes, वो कब होती है? जब एक्स की वैल्यू ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 ओपन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो रेंज ऑफ जी निकाला हमने, आरजी, अभी हमने आरजी निकालना, ये ध्यान रखना है। हमने आर जी कैलकुलेट किया, हमें आर एफ कैलकुलेट करना। आर एफ इज इक्वल टू आर जी एक्सेप्ट जी ऑफ ऑड मल्टीपल पाई बाय 2, एंड देयरफॉर ऑड मल्टीपल पाई बाय 2 पे साइन दो तरह की वैल्यू लेता है, -1 भी लेता है, -1 और 1, एंड देयरफॉर आंसर आएगा -4 एंड +4 बेटा, क्योंकि 4 साइन एक्स है ना। तो -4 से 4 क्लोज्ड में से दो नंबर हट जाएगी, एक -4 और 4, तो आंसर सिर्फ ओपन इंटरवल -4 से 4 आएगा। तो था ना थोड़ा ट्रिकी था कि नहीं? Yes, थोड़ा सा ट्रिकी था ना। ऐसे ही मतलब जो क्वेश्चंस कंपटीशन में पूछे जाएंगे ना वो बहुत डिफिकल्ट नहीं होंगे, थोड़े से ट्रिकी होंगे। आप थोड़ी सी लापरवाही करेंगे और कंसेप्चुअली कुछ गलत इंटरप्रेट कर लेंगे, आंसर गलत आ जाएगा, दैट्स इट। मतलब अच्छे बच्चों से ही गलतियां होती है, जो जिनको कुछ नहीं आता वो तो छोड़ देते हैं क्वेश्चन को, तो उनसे क्या गलती होगी? गलती अच्छे बच्चों से ही होगी, और वो गलती कैसे होती वही मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, जस्ट बी केयरफुल। एनीवे गो टू बी पार्ट, बी सी डी ई, क्विक जल्दी। क्या ऑब्जर्व किया आपने? डोमेन, डोमेन क्या है? डोमेन क्या है? बी पार्ट में फंक्शन जो हम ले रहे हैं इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल। ऑल रियल यार, ऑल रियल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि कॉस और साइन फंक्शन तो हमेशा ही डिफाइंड है ना, इसलिए ऑल रियल नंबर डोमेन है। डोमेन इज ऑल रियल, ऑल रियल, तो डोमेन इज ऑल रियल। अच्छा जी, ऑल रियल है और हमें रेंज, मतलब डोमेन की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई लफड़ा नहीं। दूसरी बात यह है कि ये फंक्शन को कुछ पहचान रहे हो क्या? कुछ कुछ फैक्टर वेक्टर जैसा हो रहा है क्या? a² - b² - a² + b² हो तो रहा है ना? यस सर, हो रहा है। तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, शायद थोड़ा सिंप्लीफाई करूं तो लिखूंगा cos² x / √5 - sin² x / 5 + sin² x / 5 यस सर। अच्छा जी, ये तो 1 ही हो गया बेटा, ये वाला तो 1 हो गया। यस सर, a² और ये वाला cos 2θ का फॉर्मूला नहीं हो गया? cos²θ - sin²θ, यस सर, ये cos 2x / 5 हो गया। अब देखो रेंज निकालना आसान हो गया कि नहीं? अच्छा मुझे ये बताओ, क्या ये दोनों फंक्शन सेम फंक्शन है?
ये एफ एक्स और ये फंक्शन सेम है कि डिफरेंट है? सेम है, सेम है सर, क्योंकि रेंज डोमेन दोनों का सेम है और कन्वर्ट yes, किया आपने, कन्वर्जन में आइडेंटिटी यूनिवर्सल आइडेंटिटी यूज करी, कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए दोनों सेम फंक्शन है। दोनों सेम फंक्शन है तो मुझे इसी की रेंज निकालनी है, और इसकी रेंज क्या आएगी भाई, कॉस ऑफ एनीथिंग की रेंज क्या आएगी, -1 to 1 So here it is okay. This is okay. Go ahead. आगे आगे चलो. C part का domain क्या है? Domain बताना पहले. बिना calculation के बता सकते हो verbally. C part में जो function दिया हुआ है उसका domain क्या है? Zero से infinity. Very correct. Very right. Zero से infinity. X belongs to zero से infinity. Zero closed. Okay जी. अब आप क्या आर्ग्यू करेंगे बोलो, ये तो बी पार्ट का डिस्कशन था, सी पार्ट में हाँ, एक्स जीरो से इन्फिनिटी में डिफाइंड है तो रूट एक्स क्या होगा? रूट कैसा फंक्शन है? स्क्वायर रूट फंक्शन कैसा फंक्शन है? वाई इज इक्वल टू रूट एक्स, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, पैराबोला इंक्रीजिंग फंक्शन है, डेरिवेटिव लेके भी मैंने दिखाया था, है ना? इंक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट करने पर इनइक्वालिटी चेंज नहीं होती, तो रूट एक्स की वैल्यू भी जीरो से इन्फिनिटी। अच्छा अभी थोड़ी देर पहले रेंज में लिखा भी आपने, इवन रूट का डोमेन रेंज क्या होता है, जीरो से इन्फिनिटी, आप डायरेक्ट भी बोल सकते हो ओके, एक्स अगर जीरो से इन्फिनिटी है तो रूट एक्स भी जीरो से इन्फिनिटी आया। आगे बढ़ो, अब क्या करें, अब साइन ऑपरेट करें? यस सर, साइन ऑपरेट करें। अब साइन तो जीरो से इन्फिनिटी में कभी इंक्रीज करता है, कभी डिक्रीज करता है, कभी इंक्रीज करता है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे ऐसे करना चाहिए कि जीरो से इन्फिनिटी में साइन का ग्राफ केवल देखना चाहिए बस, और आप देखो कि अगर एक्स इनपुट, साइन को इनपुट आप जीरो से इन्फिनिटी दे रहे हो तो साइन की रेंज क्या आ रही है, तो प्लस -1 to 1 -1 से 1 बस सीधे बोल दो कि देयरफॉर साइन ऑफ रूट एक्स गोज -1 से -1 to 1। अब कोई, आप तो समझ पा रहे हो, आप तो फील कर रहे हो क्योंकि आपको ग्राफ दिख रहा है, बट somebody if doesn't agree to you, somebody says that okay, कैसे कर लिया भाई तूने, साइन ऑपरेट किया तो साइन जीरो तो जीरो होता है, साइन इन्फिनिटी तो कुछ होगा, तो कैसे कैसे निकाली, ये जादू तुमने कैसे किया, तो उसको कैसे समझाओगे आप? तो आप उसको ऐसे समझाना कि भाई ऐसा है कि जब रूट एक्स की वैल्यू जीरो से इन्फिनिटी होगी तो रूट एक्स की वैल्यू पाई बाई टू से, रूट एक्स की वैल्यू पाई बाई टू से 3π/2 भी होगी, होगी कि नहीं होगी? यस सर। अरे जीरो से इन्फिनिटी में पाई बाई टू नंबर भी आएगी, हाँ 3π/2 भी आएगी, बिल्कुल सही बात है। अब रूट एक्स की वैल्यू पाई बाई टू से 3π/2 आएगी बिकॉज इट इज अ सबसेट ऑफ जीरो से इन्फिनिटी। अब इसके बाद में इसी पर हम इस पूरे इंटरवल में पाई बाई टू से लेके 3π/2 में फंक्शन कैसा है हमारा बताओ? डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट करो, साइन पाई बाई टू इज 1 ग्रेटर देन इक्वल टू साइन ऑफ रूट एक्स एंड ग्रेटर देन इक्वल टू -1 देयरफॉर आ गया वाई बिलोंग्स टू -1 से 1 खत्म, दैट्स इट। आप बोल देना कि इसकी वैल्यू -1 से 1 होगी, फिर क्लेम करना कि भैया साइन ऑफ एनीथिंग की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती, -1 से छोटी नहीं हो सकती, इसके अलावा कोई वैल्यू लेगा नहीं, तो ये सारी वैल्यू ले रहा है, दिस इज द रेंज, दैट्स इट। तो योर आर्ग्यूमेंट मस्ट बी स्ट्रॉन्ग, इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आर फॉलोइंग द लीनियर फैशन, लीनियर आर्ग्यूमेंट के ऐसे ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो सब तो बिगिनर के लिए है, सीखने के लिए है कि भाई देखो दो मेथड तो हैं, ऐसे ऐसे तो आंसर आ ही जाएगा, लेकिन आपको बहुत स्मार्ट होना पड़ेगा रेंज निकालने के लिए। कभी ए एम जी एम यूज कर लेंगे, कभी कोई सब्स्टिट्यूशन कर लेंगे, है ना, कभी स्क्वायर कंप्लीट कर लेंगे, कभी कैलकुलस यूज कर लेंगे, कभी ग्राफ यूज कर लेंगे, तो आपको हर टूल पर प्रैक्टिस करनी है अगर आपको स्मार्ट बनना है रेंज निकालने में। और मैं आपको बताऊं कि अगर आपको रेंज निकालना आता है तो कैलकुलस आती है, 90% बच्चे सिर्फ रेंज में जाके अटकते हैं, क्योंकि रेंज निकालने में पूरा पूरा जो कॉन्सेप्ट है ना कैलकुलस का सब यूज होता है। तो रेंज निकालना आ गया मतलब कैलकुलस में आपको कोई रोक नहीं सकता, 100% आप अच्छा करेंगे। नाउ जस्ट गो टू डी पार्ट, डी पार्ट एंड ई पार्ट, क्विक डी पार्ट एंड ई पार्ट, क्या आर्ग्यूमेंट है आपका, कैसे सोचेंगे आप, डोमेन क्या है बताओ डी पार्ट का? ऑल रियल। वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट, तो डोमेन इज ऑल रियल, ये डोमेन आ गया।
अब डोमेन ऑल रियल आ गया, तो अगर x रियल है तो साइन x का डबल 2 साइन x की वैल्यू क्या होगी, कहां से कहां तक जाएगी? ये तो बाय एक्सपीरियंस -2 से 2 वेरी वेरी राइट। कहने का मतलब ये है कि कोसाइन को जो आप इनपुट दे रहे हैं, कोसाइन फंक्शन के लिए जो इनपुट है ये थीटा, 2 cos x को हमने मान लिया थीटा, सपोज करो 2 cos x को क्या मान लिया थीटा, ओके तो cos थीटा चाहिए मुझे, और थीटा मेरे को पता है कि थीटा हमारा कहां से कहां वेरी कर रहा है, -2 से 2 cos थीटा क्या होगा। उसके लिए सबसे आसान सबसे सिंपल तरीका क्या होना चाहिए हमें, कि हम cos का ग्राफ को थोड़ा प्यार से देखें, कोसाइन फंक्शन का ग्राफ प्यार से देखें। कोसाइन का ग्राफ आपको पता है ना? यस सर। और प्यार तो आपके अंदर भरा पड़ा है, प्यार के yes, तो है नहीं, ठीक है, गुड, अच्छे बच्चे हो ना, प्यारे बच्चे हो, ठीक। ये सर, ये कोसाइन का ग्राफ होता है, ये कौन सा पॉइंट है π/2, और ये कौन सा पॉइंट है -π/2, -π/2, ये 0 और ऐसे -π वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत कुछ है यहाँ पर। एनीवे, अब मेरे को बताओ कि cos को जो इनपुट दे रहे हो -2 से 2 थीटा, इधर में थीटा है बेटा, ये x एक्सिस पर हम थीटा प्लॉट कर रहे हैं और y एक्सिस पर cos थीटा प्लॉट करेंगे, तो रेंज के लिए हम y देखेंगे थीटा को फिक्स करके। अब थीटा की वैल्यू कहां से कहां जा रही है बताओ, -2 से 2, वेयर इज -2 कहां होगा, y एक्सिस पे, अरे मारेंगे थप्पड़ मारूंगा मैं, -2 थीटा x एक्सिस पे, x एक्सिस पे 0 के लेफ्ट साइड, x 0 के लेफ्ट साइड में तो बहुत कुछ है, यहां होगा क्या, यहां यहां होगा कि नहीं होगा, यहां पर जहां मैं मार्क कर रहा हूं, यहां होगा नहीं, क्योंकि ये पाई बाय 2 क्या होता है, पाई की वैल्यू होती है 3.14, 3.14 को 2 से डिवाइड करो 1.57 के आसपास आता है, तो ये -1.57 है, -2 इसके लेफ्ट में होगा, यहां कहीं होगा, तो थोड़ा कॉमन सेंस रखना पड़ेगा आपको, और 2 कहां होगा, यहां कहीं होगा, यहां। तो कौन से इंटरवल में वैल्यूज दे रहे हैं साहब, कौन से इंटरवल में वैल्यू दे रहे हैं, ये इंटरवल की वैल्यू दे रहे हैं ये। अब इस इंटरवल में वैल्यू जब देंगे तो कॉस की वैल्यू क्या क्या आएगी, तो यहां पर ये, यहां पर वैल्यू क्या आ रही बताओ, ये आ रही है, ये कौन सी वैल्यू है बताओ, थीटा -2 है तो कॉस थीटा क्या आएगा, कॉस ऑफ -2, बट कॉस ऑफ -2 तो कॉस 2 ही होता है ना, यस सर, और जब थीटा की वैल्यू 2 है तो भी सेम आएगा, cos 2 इवन फंक्शन थी, यहां पर भी वैल्यू क्या आएगी 2, cos 2, ये 2, cos 2 पॉइंट है, और ये वाला 2 -2, cos 2 पॉइंट है, बिल्कुल सही बोल रहा है, बिल्कुल ठीक है जी। अब तो तुम्हें चमकने लगा होगा क्या, कि cos का ग्राफ देखो ऐसे यहां से इंक्रीज करते हुए जा रहा है, ऐसे इंक्रीज करते जा रहा है, कहां तक इंक्रीज करा, 1 तक, और इसके बाद फिर डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीज करते हुए कहां तक जा रहा है, वापस 2 तक आ रहा है, cos 2 तक आ रहा है, मतलब रेंज क्या है, cos थीटा वेरीज कहां से कहां तक, कोसाइन ऑफ 2 मिनिमम वैल्यू है और 1 मैक्सिमम cos 2 से 1, तो ट्रिकी क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है ये, ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बेसिक, और हम इसमें मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, हम लोग मेथड कौन सा यूज कर रहे हैं, कंपोजिशन, हाँ, x यहाँ है तो साइन ऑपरेट किया, फिर 2 साइन x ऑपरेट किया, 2 मल्टीप्लाई किया, फिर cos लिया, तो कंपोजिशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो यू हैव गॉट ए पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट ब्रेचेस हो गया, डी पार्ट भी हो गया, है ना, आगे चलो। अच्छा, अगर इस ग्राफ से ना सोचे कोई तो उसको कैसे बोलना पड़ेगा, तो उसका सोचने का तरीका बड़ा सिंपल है, बिकॉज थीटा -2 से 2 है, ध्यान से सुनना, वो आर्ग्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, फिर आप बोलना कि कॉस थीटा इवन फंक्शन है, कॉस थीटा एक इवन फंक्शन है, क्योंकि ये नेगेटिव और पॉजिटिव इनपुट में भेदभाव नहीं करता है, तो थीटा की वैल्यू 0 से 2 दोगे तो जो रेंज आएगी वही वैल्यू -2 से 0 में आएगी, तो हम क्यों जबरदस्ती दोनों वैल्यू दें, हम ले लेते हैं थीटा 0 से 2, बोलो चलेगा, यस सर। अच्छा, थीटा की वैल्यू 0 से 2 लेंगे तो 0 से 2 मतलब 2 पाई से छोटा है, और cos x फंक्शन
डिक्रीजिंग फंक्शन है जीरो से पाई में, तो जीरो से टू इंटरवल में भी कॉस क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा, कॉस ऑपरेट कर दो, तो कॉस जीरो लेस का ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस टू, एंड देयरफॉर बेटा वाई की वैल्यू आ गई, कॉस जीरो क्या है वन, वन कॉस टू सबसे छोटी वैल्यू और वन बड़ी वैल्यू, आ गया कि नहीं, देखो आ गया कि नहीं आ गया। Yes. अब यहाँ पर हमने ग्राफ का रेफरेंस नहीं लिया, हमने थोड़ा सा एनालिसिस पर फोकस किया कि ऐसा है, ऐसा फंक्शन होता है तो ऐसे सोचेंगे। एनीवे ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, व्हाट अबाउट ई पार्ट? ओके, ध्रुव ने आंसर दिया माइनस वन से वन। डोमेन क्या है ध्रुव? जीरो से इंफिनिटी। वेरी करेक्ट भाई, जीरो से इंफिनिटी, जीरो ओपन है बेटा। यस ओके, तो डोमेन इज जीरो से इंफिनिटी, और जब जीरो से इन्फिनिटी वैल्यू देंगे तो लॉग एक्स बेस टू की वैल्यू क्या आएगी? माइनस इन्फिनिटी। माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, वेरी राइट। और माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी जब इनपुट मिल रहा है तो साइन की वैल्यू क्या होगी? माइनस, तो ऑल रियल नंबर है ना, नो माइनस वन से वन, बिल्कुल सही बात है जी, माइनस वन से वन क्लोज है ना, क्लोज होगा ना। यस हाँ जी, सही चीज। तो अब आपने देखा कि अराउंड जो है 8 to 10 प्रॉब्लम्स आप छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी ट्रिकी कर चुके हैं, तो अब आपसे पूरा आंसर आपकी तरफ आना चाहिए, आपकी तरफ से आना चाहिए। गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय योरसेल्फ, टाइम फ्रेम के अंदर बोलेंगे आप, है ना, टाइम फ्रेम के अंदर आंसर करेंगे। आंसर देखना नहीं प्लीज, जल्दी आंसर बताओ। You have to find the range of following functions, है ना, फटाफट जल्दी। मैं कितने फंक्शन है इसमें जी, आपके पास टोटल चार फंक्शन है, तो चार फंक्शन के लिए 2 मिनट टाइम है, आप शुरू हो जाइए, 2 मिनट में आंसर करिए क्विक। बी पार्ट हो गया, बी पार्ट हुआ कि नहीं? ए पार्ट तो बिल्कुल सही आंसर है आपका। ए पार्ट, ए पार्ट की बात करो, डोमेन क्या है? डोमेन अगर जीरो सर, जीरो क्लोज से वन ओपन। डोमेन, अरे एक्स डोमेन तो सर ऑल रियल, ऑल रियल नंबर, डोमेन इज ऑल रियल नंबर, एंड जब एक्स रियल नंबर है तो फ्रैक्शनल पार्ट एक्स की वैल्यू क्या होगी? जीरो से वन, जीरो से वन, और इसलिए उसका इंटीजर पार्ट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? हमेशा जीरो, सिंगलटन जीरो। तो इसलिए रेंज आ गया तुम्हारा सिंगलटन जीरो, सिंगलटन जीरो। And similarly, you can go for this that jint x जो हो जाएगा वो हो जाएगा integer, integer, और therefore fractional part of zero jint x हो जाएगा zero for all x belongs to real। तो range चाहे आप पहले का निकालो या दूसरे का निकालो, दोनों का range क्या आएगा? Zero singleton। चलो जी, मतलब ये दोनों function identical function है। अगर दो function ऐसे हो जिनका डोमेन भी सेम हो, रेंज भी सेम हो, और उनका आउटपुट भी सेम आ रहा है किसी भी हर इनपुट पर, तो आइडेंटिकल फंक्शन है, तो दे आर आइडेंटिकल फंक्शन, दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस, आइडेंटिकल फंक्शंस, दे आर आइडेंटिकल फंक्शंस। नेक्स्ट ए हो गया, बी पे जाओ, बी पे। बी पार्ट किसका किसका आंसर आ गया था, मैं ये जानना चाह रहा हूं, बी पार्ट का आंसर किसका किसका आ गया? ध्रुव वो तो गया सर, सेकंड। सबरीना तुमने क्या बोला? नॉर्मल ब्रैकेट नहीं है बेटा, जिंट है, जिंट, जो जो स्क्वायर ब्रैकेट है वो जिंट है, इट्स नॉट नॉर्मल ब्रैकेट, दिस इज अ इंटीजर पार्ट फंक्शन। डोमेन क्या है? वेरी गुड, वेरी गुड, हरमन यू आर करेक्ट। डोमेन क्या है? डोमेन ऑल रियल। हाँ, क्योंकि ये देखो, ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट x माइनस पाई की वैल्यू तो इंटीजर होगी, इंटीजर मल्टीपल पाई पर 10 हमेशा डिफाइंड होगा, डिफाइंड, और डिनोमिनेटर का
वैल्यू कभी जीरो, बिल्कुल सही बात है, तो डोमेन इज ऑल रियल, डोमेन इज ऑल रियल। अच्छा जी, अगर एक्स रियल नंबर है तो जिंट ऑफ एक्स माइनस पाई टाइम्स पाई is actually integer multiple of pi. Integer multiple of pi. And therefore tan of this number is always tan n pi, that is zero. Numerator zero है और denominator zero नहीं है, इसलिए gx की value हमेशा क्या होगी? Zero. Zero. For all x belongs to real. And therefore इसका range जो आएगा वो singleton zero होगा. This is the answer. If you have any query, if you have any doubt, please let me know. अब C का आंसर तो आप बता ही देंगे, I'm pretty sure. C और D का आंसर तो आप में से हर बच्चा बता देगा. C तो definitely बता देगा, D में हो सकता है थोड़ा confuse हो आप. C का आंसर है very correct, root 2 से माइनस रूट टू से प्लस रूट टू, बिल्कुल ठीक है. कैसे निकाला? 11th का कॉन्सेप्ट है यार, 2x को थीटा मान लो, कॉस 2x माइनस साइन 2x है. कुछ याद आया? अगर y है a cos x प्लस b sin x, अगर y है a cos x प्लस b sin x, तो इसकी मैक्स वैल्यू क्या होती है? वाई मिनिमम क्या होता है? नेगेटिव ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. और वाई मैक्सिमम क्या होता है? वो होता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. इलेवेंथ में किया हुआ है ना? लेकिन ध्यान दो, ये तभी है जब जब एक्स बिलोंग्स टू रियल है. इफ एक्स बिलोंग्स टू रियल, अगर एक्स की वैल्यू आप रिस्ट्रिक्टेड करके देंगे तो फिर कुछ और आंसर भी आ सकता है. एनीवे, तो हम चाहे हम डायरेक्ट लगाएंगे तो भी आंसर आ गया, नहीं डायरेक्ट यूज करते तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, इट इज इक्वल टू रूट टू टाइम्स कॉस टू एक्स कॉस पाई बाई फोर माइनस साइन टू एक्स साइन पाई बाई फोर. हेलो, कैन आई राइट दिस? यस सर. And therefore it is equal to root 2 times cosine A cosine B minus sine A sine B cosine of x plus 2x plus pi by 4. Now the argument is very simple. Argument is that cosine of 2x plus pi by 4, cosine of theta hai, iski value hogi minus 1 se 1. And therefore root 2 se multiply kar do, to minus root 2 less than equal to y less than equal to root 2. And therefore you got the answer. Is that clear? Is that clear? Range is negative of root 2 से root 2. Clear है बेटा? सबको clear है? Yes, sir. Yes. This is okay. This is okay. This is okay. And this last बात करो. इसका बात करो जल्दी से फटाफट. ठीक है. X minus pi by 4. इसका डोमेन क्या होगा? नो. कॉट हमेशा नहीं डिफाइंड होता है. कॉट का डोमेन X minus pi by 4 की वैल्यू क्या हो सकती है? इट कैन बी, इट शुड नॉट बी इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई. कॉस बाई साइन, साइन जीरो नहीं होना चाहिए. तो एक्स माइनस पाई बाई फोर इज नॉट इक्वल टू एन पाई. मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं? बोलो. Yes. इसका मतलब एक्स इज नॉट इक्वल टू एन पाई प्लस पाई बाई फोर. इसका मतलब है कि डोमेन आएगा ऑल रियल एक्सेप्ट एन पाई प्लस पाई बाई फोर, वेयर एन इज any integer. ये सारे हटाएंगे. ये डोमेन की बात हुई. अब रेंज की बात करते हैं. रेंज की बात करते हैं तो ये तो कॉट स्क्वायर ऑफ थीटा है बेसिकली. थीटा क्या है? थीटा अपनी सारी पॉसिबल वैल्यू ले रहा है, तो इसकी रेंज तो नेचुरली होगी.
कॉट स्क्वायर की रेंज क्या होती है, कॉट की रेंज क्या होती है, ऑल रियल, ऑल रियल स्क्वायर करने पर रेंज क्या आएगी, जीरो क्लोज टू इनफिनिटी, यस जीरो क्लोज टू इनफिनिटी, वेरी करेक्ट, थैंक यू। तो मतलब रेंज होते समय ना, रेंज कैलकुलेट करते समय आपको मशीन जैसा बिहेव नहीं करना है कि मैंने आपको बताया कि ये मेथड वन है, ये मेथड टू है, ऐसे ऐसे मशीन में इनपुट डालो और आउटपुट आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं करना है। रेंज डोमेन निकालना मशीन्ड मेथड है, वेल डिफाइंड है, रेंज निकालना ह्यूमन मेथड है। आप इंसान जैसा बिहेव करेंगे तो हमेशा आप बहुत स्मार्टली रेंज कैलकुलेट करेंगे, मशीन जैसा बिहेव करेंगे तो आप कमांड नहीं कर सकते, आप हमेशा कुछ केसेस में अटक जाएंगे, कहीं ना कहीं गड़बड़ देंगे। तो आप एकदम स्मार्ट रहो, डायनेमिक रहो, दिमाग लगाते रहो, सोचते रहो, रेंज हमेशा आप कमांडिंग पोजिशन में, रेंज में आ जाएंगे, एंड इट विल बी अ ग्रेट एज इन एज कंपेयर टू अदर स्टूडेंट विज अदर्स। चलो जी, ये लास्ट क्वेश्चन, जल्दी से आंसर करो, जल्दी से। अब पहले देखो, कुछ कुछ बातें आपको पता होनी चाहिए, जैसे कुछ नोन फंक्शन है इसकी रेंज प्लीज याद रख लो, है ना, जैसे y इज इक्वल टू 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 की रेंज क्या होती है, बताओगे मेरे को, डोमेन तो ऑल रियल नंबर होता है, रेंज क्या होगी इसकी? बहुत सारे तरीके हैं आंसर करने के, बहुत सारे तरीके हैं, बट उसमें एक तरीका है कि मैं पुट कर दू x as tan थीटा, क्योंकि x रियल है तो tan थीटा सारी रियल वैल्यू ले सकता है, तो x को tan थीटा पुट कर सकता हूं। ऐसा करने से ये फंक्शन बन जाएगा 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये आइडेंटिटी से क्या होता है बेटा, साइन 2 थीटा, और साइन 2 थीटा की रेंज क्या होगी, माइनस 1 से 1। ये मैंने 2x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 की रेंज निकाल ली। तरीके और भी हैं, तरीका वो वाला भी है कि x स्क्वायर इंटू y प्लस y इज इक्वल टू 2x, इन्वर्जन वाला मेथड, तो y टाइम्स x स्क्वायर माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 0, फिर आप बोलो x टू बी रियल, अप्लाई द कंडीशन x टू बी रियल, x को रियल होने के लिए डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना, इक्वल टू 0, 4 माइनस 4 y स्क्वायर होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 1 माइनस y इनटू 1 प्लस y होना चाहिए ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड कर देना, और ये देखो आ गया ना, माइनस 1 एक रूट है, 1 एक रूट है, वेविकर मेथड, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो y बिलोंग्स टू माइनस 1 से 1, आया कि नहीं आया, माइनस 1 से 1। ऐसे ऐसे AMGM निकाल, मतलब बहुत सारे तरीके इसका रेंज निकालने के लिए, एग्जैक्टली इसी तरह से ये एक और फंक्शन बता दो इसका, ये रेंज, इसका रेंज बताओ, ये भी बहुत आपके सामने आएगा, x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, इसकी रेंज क्या आएगी? अब इसकी रेंज क्या आएगी, तो ये बहुत पॉपुलर फंक्शन, इसका डोमेन क्या है, ऑल रियल, रेंज निकालना है, सिमेट्रिक सा फंक्शन है, कंपोनेंटो डिविडेंडो लगा दो या क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इज इक्वल टू न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर करेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा, और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर करेंगे तो माइनस 2 आएगा, तो ये आ गया माइनस x स्क्वायर। अब आप पता है कि बिकॉज x तो रियल है तो x स्क्वायर पॉजिटिव होगा, माइनस x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0 होगा, तो y प्लस 1 अपॉन y माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, तो y बिलोंग्स टू, बोलो क्या आएगा, माइनस 1 एंड 1 पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, हमें नेगेटिव चाहिए तो माइनस 1 क्लोज्ड से 1 ओपन। तो ये दो फंक्शन मैंने बताया, एक ये फंक्शन और एक ये फंक्शन, ये बहुत कॉमन फंक्शन है, इसकी रेंज निकालनी आपको आनी चाहिए, मतलब रेंज निकालनी नहीं, रेंज याद होनी चाहिए, कमिट टू मेमोरी, क्योंकि ये बहुत जगह पर डायरेक्ट यूज हो जाएंगे। मेरे पास एक दूसरा तरीका था इसको करने का, कि यही x इक्वल टू tan थीटा यहां पुट कर देते अगर, तो ये बन जाता माइनस cos 2 थीटा,
और यहां से रेंज आती माइनस वन से वन क्लोज्ड, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देते आप कि टैन थीटा कब डिफाइंड नहीं होता है, जब थीटा ऑड मल्टीपल पाई बाय टू, तो ऑड मल्टीपल पाई बाय टू पुट करने पर ये जो आंसर देगा वो हटाना पड़ेगा तुम्हें, तो ऑड मल्टीपल पाई बाय टू, तो टू थीटा होता है ऑड मल्टीपल पाई, ऑड मल्टीपल पाई का कॉस होता है माइनस वन, माइनस ऑफ माइनस प्लस वन, तो वन हटाना पड़ेगा, तो एक्सेप्ट वन कर देंगे तो ये सही वाली रेंज आ जाएगी। तो सब्स्टिट्यूशन भी वर्क कर सकता है आप, सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन या कुछ और सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं रेंज अगर निकालने में हेल्प मिल रही है तो, लेकिन जब जब आप ऐसा कोई सब्स्टिट्यूशन कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो डोमेन का ध्यान रखना आपको, नहीं तो थोड़ी सी गलती हो जाएगी, बहुत थोड़ी सी, वो थोड़ी सी गलती नहीं होनी चाहिए। तो यू हैव गॉट टू फंक्शन, डू यू रियलाइज व्हाई आई हैव टेकन दीज टू फंक्शंस, क्यों इनकी रेंज की बात करी मैंने, क्योंकि ये सभी में देखो ये यूज हो रहे हैं, ये पहला फंक्शन यहां यूज हो रहा है, ये वाला फंक्शन यहां भी यहां यूज हो रहा है, तो हम अगर ये जानते तो रेंज निकाल सकते हैं। जैसे अब पहले फंक्शन ए पार्ट की रेंज निकालनी, पार्ट ए में रेंज निकालनी कैसे करेंगे, देखो हमें पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन जो है ये कहां से कहां वेरी कर रहा है, माइनस वन से लेकर माइनस वन से वन, वन ओपन तक। अब इसमें मैं रूट थ्री बाय टू मल्टीप्लाई करूं तो आएगा नेगेटिव रूट थ्री बाय टू से लेकर के इस पूरे चीज को कुछ मान लेते हैं थी, क्या मान लेते हैं, लैम्डा मान लेते हैं, के मान लेते हैं, के तो के लेस देन इक्वल टू रूट थ्री बाय टू, बोलो हाँ या ना, यस सर, रूट थ्री बाय टू से मल्टीप्लाई किया। अब हमें साइन इनवर्स ऑपरेट करना है, साइन इनवर्स कैसा फंक्शन होता है, तो साइन कैसा फंक्शन होता है जी, साइन इंक्रीजिंग होता है प्रिंसिपल, इंक्रीजिंग, तो आपको मैंने बताया था ना कि इनवर्स फंक्शन और फंक्शन दोनों का मोनोटोनिक नेचर क्या होता है, सेम, तो जैसा अगर फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो उसका इनवर्स फंक्शन भी इंक्रीज करेगा, तो हम अप्लाई करेंगे साइन इनवर्स ऑपरेट करेंगे, तो यहां आएगा साइन इनवर्स ऑफ रूट थ्री बाई टू नेगेटिव रूट माइनस रूट थ्री बाई लेस देन इक्वल टू साइन लेस देन इक्वल टू साइन इनवर्स के, साइन इनवर्स रूट थ्री बाई टू। अब साइन के किस वैल्यू, किस एंगल की वैल्यू रूट थ्री बाई टू होती है, मान लो ये एंगल, ये वाला एंगल मान लो अल्फा है और ये वाला एंगल मान लो बीटा है, 75 डिग्री, तो साइन अल्फा रूट थ्री बाई टू, साइन अल्फा इज रूट थ्री बाई टू, तो 60 डिग्री पाई बाई थ्री, यस सर पाई बाई थ्री, और साइन बीटा तो ये माइनस पाई बाई थ्री हो गया क्योंकि माइनस रूट थ्री बाई टू, तो यहां से रेंज आ गई इसकी, पहले वाली की रेंज क्या आई, माइनस पाई बाई थ्री से लेके पाई बाई थ्री रेंज, पाई बाई थ्री, ठीक है। अब आप इसमें सोचना कि मान लो अगर मैं ये हटा दूं, समझ रहे हो ना, अगर मैं ये रूट थ्री बाई टू हटा दूं तब रेंज क्या आएगी, तब आप माइनस वन से वन ओपन में बात करेंगे इसमें, और यही पे साइन इनवर्स ऑपरेट करेंगे, तो साइन इनवर्स माइनस वन से साइन इनवर्स वन तक, साइन इनवर्स माइनस वन होता है माइनस पाई बाय टू और साइन इनवर्स वन होता है पाई बाय टू, तब रेंज आ जाएगी माइनस पाई बाय टू क्लोज माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू ओपन आ जाएगी, ठीक है। तो ठीक है, क्लियर है, ऐसे ऐसे चलो बी पार्ट की बात करते हैं। बी पार्ट में देखो, अभी हमने बोला कि 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां लाई करती है, माइनस 1 से 1, तो x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर 2 से डिवाइड कर दो तो ये माइनस हाफ से हाफ हाफ के बीच में होगी। अब cos इनवर्स ऑपरेट करो, cos फंक्शन हमारा प्रिंसिपल डोमेन में कैसा होता है, डिक्रीजिंग, cos डिक्रीजिंग होता है तो इनवर्स भी, तो इनवर्स भी डिक्रीजिंग, हाँ, तो cos इनवर्स ऑफ माइनस वन बाय टू ग्रेटर देन इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ द सेम दिस फंक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू cos इनवर्स हाफ। अब cos इनवर्स हाफ मान लो अल्फा है और ये एंगल मान लो बीटा है, तो कंडीशन क्या है, cos बीटा की वैल्यू माइनस हाफ होनी चाहिए और cos अल्फा की वैल्यू हाफ होनी चाहिए, और अल्फा और बीटा दोनों cos की रेंज में, सॉरी cos के प्रिंसिपल डोमेन में होने चाहिए, मतलब जीरो से पाई इंटरवल में। अब आप मुझे बताओ कि जीरो से पाई इंटरवल में किस एंगल का cos हाफ होता है, 60 डिग्री, तो अल्फा आ गया पाई बाई थ्री, और माइनस हाफ कब होता है, अरे हाफ तो
हाँ वेरी करेक्ट वेरी करेक्ट, 2π/3 पर, तो ये आ जाएगा 2π/3, तो आ गया तुम्हारा दिस इज 2π/3 ग्रेटर देन इक्वल टू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू π/3, तो रेंज क्या है इसका, दिस बिलोंग्स टू π/3 क्लोज से 2π/3 क्लोज, वेरी करेक्ट, दिस इज गॉन दिस इज गॉन। अब ये तो सिंपल है, सीख आंसर बताओ और आज के डिस्कशन को यहीं पे क्लोज करते हैं, ठीक है। और मैं रेंज पे जो डिस्कशन जो है उन लोगों के साथ में हुआ था पिनाकल बैच में, वो डिस्कशन वाली वीडियो भी शेयर कर दूंगा, उसमें कुछ अगर कुछ 2-4 क्वेश्चन एक्स्ट्रा डिस्कस हुए तो फास्ट फॉरवर्ड करके उनको भी देख लेना, ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग अगली क्लास जो आपकी होगी वो कंबाइंड होगी। अगर आपको जो जिंट वाली गेम है या डोमेन रेंज की गेम है इनमें से अगर कोई डाउट है तो वो डाउट मेरे को पहले से बता दो, तो जरूरत पड़ेगी तो कल मैं मैनेज करके एक क्लास छोटी सी ले लूंगा डाउट की आपकी, सो दैट मैं चाहता हूँ कि फ्राइडे से कंबाइंड क्लास स्टार्ट कर सकें आपकी। टेक्सचर पे डाउट? हाँ हाँ हाँ, मतलब जो भी डाउट है बेटा, अभी इधर थोड़ा मैं डिस्टर्ब था अभी भी, मतलब 2-3 दिन में मुझे सेटल होने में लगेगा, उसके बाद फिर आपका सब कुछ स्मूथ हो जाएगा। कंबाइंड में लोगों टेक्सचर पे? हाँ नहीं, कौन सा टेक्सचर के डाउट, तुम तुम शेयर कर दो बेटा, मैं उन लोगों को भी शेयर कर दूंगा और उसके बाद में देखेंगे अगर होगा, अगर उनका डाउट नहीं होगा तो तुम्हारा अलग से लेंगे, कंबाइंड क्यों लेंगे, ठीक है। अब ये वाला भी देख लेते, चलो लगे हाथों जल्दी से। कॉट कैसा फंक्शन होता वैसे? कॉट प्रिंसिपल डोमेन में कॉट का ग्राफ ऐसा होता है, ऐसा डिक्रीज करता हुआ फंक्शन, डिक्रीजिंग 0 से π में, तो कॉट इनवर्स डिक्रीजिंग फंक्शन होता है, याद रखना मेरे सर। जो प्रिंसिपल डोमेन में फंक्शन का नेचर होता है, इनवर्स का नेचर वही होता है, तो कॉट इनवर्स एक्स एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब डिक्रीजिंग फंक्शन है, अच्छा x2+1 की वैल्यू मिनिमम क्या होगी, 1, और मैक्सिमम क्या होगी, इनफिनिटी। अब आप कॉट इनवर्स ऑपरेट करेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन ऑपरेट कर रहे हैं ये ध्यान रखना, तो cot इनवर्स 1 रिवर्स, हाँ, तो ग्रेटर देन इक्वल टू y, मतलब fx ग्रेटर देन cot इनवर्स, cot इनवर्स इनफिनिटी। अब cot इनवर्स 1 तो पता ही है π/4 होगा, cot π/4 1 होता है, और cot इनवर्स इनफिनिटी क्या होता है, मान लो ये एंगल थीटा है, मान लो इट इज इक्वल टू थीटा, तो cot थीटा इनफिनिटी होना चाहिए बेटा। cot थीटा की वैल्यू इनफिनिटी किस एंगल के लिए होती है, 0 से π में, 0 से π में किस थीटा की वैल्यू इनफिनिटी होगी, 0 के बहुत पास होगा जो, हाँ 0, तो 0 इसका मतलब है कि हमारा वाई जो होगा तुम्हारा 0 ओपन से लेके π/4 क्लोज्ड तक लाइक। सो डू इट, मेरा कहने का मतलब है ना, प्रॉब्लम्स को अटेम्प्ट करो, प्रिंसिपल्स पता चल गए, क्या प्रिंसिपल है क्या कॉन्सेप्ट है पता चल गया, प्रॉब्लम अटेम्प्ट करो, डरो नहीं, गलती होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि गलतियां कर करके ही आप सीखेंगे, मिस्टेक करेंगे तभी सीखेंगे, खूब प्रैक्टिस करो, खूब क्वेश्चंस करो, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे मैं क्लोज कर रहा हूं, एंड किसी ने कुछ बोलना है, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग बेटा, तो लेट अस क्लोज द कॉल फॉर टुडे, फिर क्लास का टाइम शेयर कर देंगे, हाँ श्योर श्योर श्योर, अभी जितेंद्र सर को बोलता हूँ वो शेयर कर देंगे आपको, ठीक है। वैसे शाम का ही रखेंगे बेटा, देखो इवनिंग वाला स्लॉट रहेंगे, अब वो जो आप सबको सुटेबल होगा वो मैनेज कर देंगे, ओके ठीक ठीक, गुड नाइट बेटा, गुड नाइट, टेक केयर, गुड इवनिंग।